माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग गत कल्याण श्रवण कर रहे थे, ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न की थी। छह प्रश्न में जो दूसरी प्रश्न थी, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, जिसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी ने बताए, बोले एतत् विद्यमानानां इच्छताम अकोत भयम् योगिनां निपनिर्मिता हरे नामा काशी मुकाती है तो ओपदेशा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर भी नित्य निरंतर पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरा। शंकर भी पंचमुख में भगवान के नाम जप करते हैं। कहते श्री हनुमान जी, ये भी मुक्त महापुरुष ठाकुर का सेवक है। गोस्वामी जी कहते हैं, बोले सुमेरी पवन सुत पावन नामो आपन बस करे राख रामो। इसलिए भगवान हनुमान जी के इतने वशीभूत क्यों हो गए, बोले एक ही कारण है, सुमेरी पवन सुत पावन नाम। हर समय श्री हनुमान जी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, हर समय हनुमान जी भगवान के नाम जप करते हैं। कहते माता देवी, जिस माता जी को हम पूजा करते हैं, कभी माता देवी जी शंकर जी से प्रश्न की, बोले प्रभु किसकी नाम जप करनी चाहिए, शंकर जी स्वयं कहते हैं, बोले राम रामेति रमेति रम रमी मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम वरानन। शंकर जी कहते पार्वती, अगर 1000 विष्णु का कोई नाम ग्रहण करते हैं, बोले एक राम नाम के बराबर है। इसलिए जब से माता पार्वती शंकर जी से ये बात सुनी, तब से माता पार्वती क्या करती हैं, भगवान के नाम जप करते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, हैं कहते माता पार्वती को शंकर, इसलिए शंकर जी को इतना प्यारी है, क्योंकि हर समय भगवान की नाम जप स्वयं। इसलिए माता जी के 8 हाथ देखना, 8 हाथ में देखोगे 1 हाथ में माला है। ब्रह्मा जी की 4 हाथ में देखना, 1 हाथ में माला है। सरस्वती की 4 हाथ देखना, 1 हाथ में माला है। गणेश जी, इनकी पूजा सबसे पहले क्यों होती है, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले माही मा जा सो जाना गणराओ प्रथम पूजे अर्थना प्रभाव। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, एक समय सारे देवता लोग की मिटी गई, बोले 33 करोड़ देवता में सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए, तो वहां पर बोले एक काम करो, ये विश्व ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके पहला आ जाएगा उसकी पहले पूजा होगी, और 33 करोड़ देवता में पूजा। देखो भारत में अभी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए कितने लोग तैयार, कितने लड़ाई झगड़ा हो रही है केवल भारत में, और विश्व ब्रह्मांड में 33 करोड़ देवता में सबसे पहले पूजा किसकी हो, साधारण कोई बात है, जो सबसे पहले पृथ्वी को परिक्रमा करके आ जाएगा। ब्रह्मा जी अपना हंस वाहन पकड़े और एकदम उड़ चले, कार्तिक अपना मयूर वाहन में बैठे और वहां से उड़ चले, सारे देवता अपना अपना वाहन लेकर के सब के सब उड़ चले, क्योंकि पहले आ जाएंगे तो सबसे पहले हमारी पूजा होगी। अभी गणेश जी कहाँ जाए, गणेश जी का वाहन कौन है, चूहा है मुसी के है। अभी गणेश जी कहाँ जाए, इतने में नारद जी आए, बोले क्या बात है, बोले ये पृथ्वी को जो ब्रह्मांड को जो परिक्रमा करके पहला आ जाएगा उसकी पहले पूजा होगी, अभी मैं चूहा को लेकर कहाँ जा। भगवान नारद जी ने कहा कोई चिंता मत करो, बोले हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। बोले कुछ भी करने का जरूरत नहीं, लिखो राम नाम लिखो,
और उसको तीन बार तुम परिक्रमा कर लो, क्योंकि वो लोग तो एक ब्रह्मांड को पता नहीं कितने दिन में परिक्रमा करके आएंगे, लेकिन ठाकुर जी के अंदर में, भगवान के अंदर में एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड भगवान में विद्यमान है। तुम तीन बार परिक्रमा कर लिया मतलब है अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को तुम्हारी तीन बार परिक्रमा हो गया। अभी सारे देवता साल, दो साल, दस साल में भक्त भक्त आए, मीटिंग हुई, सबसे पहले किसने परिक्रमा की, किसने कहा मैंने, किसने कहा मैंने, किसने कहा मैंने, लेकिन गणेश जी ने कहा सब चुप बैठो, पता नहीं तुम लोग कितने दिनों में ब्रह्मांड को परिक्रमा करके आए, मैं तो एक बार नहीं तीन बार, एक ब्रह्मांड नहीं अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को मैंने परिक्रमा करके आए। बोले कैसे? बोले भगवान के नाम को लिख करके उसको मैंने परिक्रमा की, इसलिए जय जयकार, गणेश जी की जय जयकार हो गई। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं महिमा जासु जान गन राहु प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। उनका जो पहला पूजा हो रही ना, केवल एक ही कारण है, भगवान के नाम की महिमा के बल पर। इसलिए जगत में जो भगवान के नाम जप करते हैं, जो ठाकुर जी के नाम भजन करते हैं, जगत में देखना उनका ही जगत में जय जयकार है, उसका उतना ही जगत में पूजा होती है जो जितने भगवान के नाम को जप करते हैं। इसलिए आप लोग सबके सब क्या करना, भगवान के नाम को जप करना। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण, तो मैं बोल रहा हूँ, आप तो कोई पीछे बोल नहीं रहे, मैंने इतने कथा सुनाई नाम की, अब जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो रामायण की एक सुंदर छोटी सी कथा सुनो। बोले एक समय कैवर्त देश में एक राजा थे जिनका नाम था सुकांत। एक समय सुमेरु पर्वत के ऊपर में सत्संग हो रही थी, सुकांत जी जा रहे थे सत्संग में, बीच में नारद जी मिल गए। हमको पता है नारद क्या करता है, झगड़ा लगाते हैं ना, हम कहते ना क्या थे नारद का काम कर रहे हैं, कहते ऐसे नहीं, नारद जी जैसे भक्त जगत में कोई है ही नहीं, जगत में अगर भक्ति प्रचार केवल नारद की कृपा से ही है। इतने में बीच में नारद जी मिल गए, बोले भैया इधर आए। बोले क्या बात? बोले कहाँ जा रहे हो? बोले सुमेरु पर्वत के ऊपर में सत्संग हो रही है, वहाँ बड़े बड़े साधु संत आएंगे, सत्संग में जा रहा हूँ। बोले बहुत अच्छी बात। बोले देख बेटा एक काम करियो। बोले बताओ। बोले सबसे पहले जाकर के संतों का चरण स्पर्श करना चाहिए, ऐसे नहीं गए और चुपचाप बैठ गए, नहीं, सबसे पहले क्या करो, जिनसे तुम उपदेश श्रवण करोगे सबसे पहले उनकी चरण की वंदना करनी चाहिए। सुकांत जी ने कहा आप तो यही सिखाए, बड़े लोग क्या सिखाए, सबसे पहले जाकर संतों की चरण स्पर्श करो, आप लोग तो यही सिखाए, जरूर करूंगा। फिर जा रहे थे, बोले फिर सुनो। बोले फिर क्या बात है? बोले एक काम करना, वहाँ पर तो बड़े बड़े संत बैठे हुए होंगे, वहाँ पर देखना विश्वामित्र भी है। बोले हाँ होंगे। बोले सबको तो चरण छूना, केवल विश्वामित्र की चरण नहीं छूना। बोले क्यों? जब सबका चरण स्पर्श करेंगे उनका भी चरण स्पर्श करेंगे। बोले मैं बोल दिया ना, ये भी पहले क्षत्रिय ही थे, लेकिन ये क्षत्रिय से फिर बाद में फिर ये ब्रह्मर्षि बने, तो भी क्षत्रिय वो भी क्षत्रिय थे, चरण छूने का कोई जरूरत नहीं। बोले ठीक है। अभी गए सारे संत लोग लाइन से बैठे थे, सबके चरण को स्पर्श किया, लेकिन बीच में श्री विश्वामित्र जी की चरण नहीं छुआ। और विश्वामित्र जी को इतने अपमान बोध हुआ, इतने अपमान उनकी बोध हुई, सबके चरण और मेरे चरण नहीं बीच में। अभी सत्संग समाप्त तो होते ही सीधा श्री विश्वामित्र जी अयोध्या है और प्रभु राम से मिलना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर लक्ष्मण जी चौकीदार कर गए थे। बोले राम कहाँ है? बोले प्रभु जी अभी सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा सोता रहता है उसका देश में यही अनहोनी होती है।
बोले अभी अभी मैं मिलना चाहता हूं। बोले प्रभु विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद में मिल लेना। बोले नहीं अभी। इतने में हई हल्ला सुन करके प्रभु राम की नींद खुल गई। ठाकुर जी बाहर निकले, देखा गुरु जी, और गुरु जी भी दर्शन करते, सबसे पहले गुरु जी के चरण छुए और गुरु जी को देखा, बड़ा क्रोधित है। बोले गुरु जी क्या हो गया? बोले मेरी अपमान नहीं, ये संत परंपरा की अपमान है। ये राजा सुकांत ने सबकी चरण स्पर्श किए, लेकिन बीच में केवल मेरी चरण स्पर्श नहीं किए, मेरे चरण में सर नहीं झुकाया। भगवान राम ने कहा, जिस दुष्ट ने मेरी गुरु जी के चरण में सर नहीं झुकाया, कल सवेरे उसका गला में कत्ल कर दूंगा, उसको गला ही काट दूंगा। अभी धीरे 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 ये संवाद सुकांत के पास में पहुंचा और सुकांत सुनते ही रोना शुरू कर दिया। बोले ये नारद जी झगड़ा लगाते हर समय, हर समय ये झगड़ा लगाते रहते हैं, क्यों मेरे को बोले विश्वामित्र की चरण नहीं छूनी चाहिए, प्रभु राम ने प्रतिज्ञा की सवेरे मेरा गला ही काट देंगे, और ठाकुर जी ने प्रतिज्ञा की उनसे कौन रक्षा कर सकता है। अभी नारद जी रोने लग गए और ढूंढने लगे विश्वाम श्री नारद जी कहाँ है। लेकिन जिस समय वो ढूंढ नहीं रहे थे उस समय तो मिले थे, लेकिन जब ढूंढ रहे वो मिले ही नहीं। बोले देखो कैसे झगड़ा लगाने वाले, मैं ढूंढ नहीं रहा था, मिले, ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहे। इतने में नारद जी बिना बजाते बजाते श्री नारद जी वहां पर पहुंचे। बोले क्या बात है? बोले आपने झगड़ा लगा दिया। बोले क्या हो गया? बोले मैंने विश्वामित्र जी की चरण स्पर्श नहीं की, उन्होंने प्रतिज्ञा किया कल सवेरे मेरे को मार डालेंगे। बोले भैया जगत मरते जगत सबको मरना पड़ेगा, ये जगत में कौन अमर है? जगत में मरते जगत सबको मरना पड़ता है। बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले दुनिया में कोई मरना चाहते हैं? बताओ कौन मरना चाहते हैं? जगत में कोई भी मरना नहीं चाहता, लेकिन मरना पड़ता है सबको, पर मरना पड़ेगा। बोले ठाकुर जी मारेंगे। बोले और भी अच्छी बात है, ठाकुर जी के हाथ में मरोगे तो मुक्ति मिलेगी। बोले नहीं मैं मरना नहीं चाहता। बोले एक काम करियो, जाओ श्री अंजना जी की शरण में चले जाओ। अंजना जी कौन है? हनुमान जी की माँ है, और माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। उन्होंने जाकर के अंजना जी की चरण में गिर पड़े, रोने लगे। बोले बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो और बताओ? बोले आपको प्रतिज्ञा करना पड़ेगा मेरे को प्राण रक्षा करने के लिए। बोले कोई चिंता नहीं, मैं प्राण रक्षा करूंगी, बताओ क्या बात है? बोले कल सवेरे श्री विश्वामित्र मेरे को मारना चाहते। बोले विश्वामित्र जी संत, वो क्यों मारेंगे? बोले हाँ मैंने कुछ गड़बड़ की इसलिए वो मारना चाहते। बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तो अंदर में बैठिए। अंदर में बैठ गए। अभी हनुमान जी प्रभु राम के चरण की सेवा करते हुए शाम को वापस आए और देखा माता जी बड़ी दुखी होकर के बैठी हुई, बड़ी दुखी होकर के। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जैसे बेटा रहते माँ के दुखी, ऐसे बेटा रहना नहीं रहना बराबर है, बताओ माता जी क्या बात है? बोले बेटा एक शरणागत व्यक्ति को प्राण रक्षा करना पड़ेगा। बोले चिंता क्यों करते हो? जरूर मैं रक्षा करूंगा। कौन है? सुकांत जी को बुलाया। बोले बेटा क्या बात बताओ हनुमान जी को? बोले कल सवेरे भगवान राम मेरे सर काटना चाहते, मेरे को मारना चाहते। अंजना बोली तू तो बोल रहा था विश्वामित्र मारना चाहते, अभी राम का बात कैसे आ गया? बोले विश्वामित्र जी राम को द्वारा मरवाना चाहते। हनुमान तो फंस गए बीच में कि उन्होंने प्रतिज्ञा की रक्षा करने के लिए, अगर साधारण व्यक्ति होता तो रक्षा कर ही लेते, लेकिन जब स्वयं ठाकुर जी प्रतिज्ञा किए उनको कौन रक्षा कर सकता है? बोले ठीक है बेटा कोई बात नहीं, तुम बैठो। हनुमान जी एकदम सवेरे सवेरे अयोध्या पहुंच गए और देखा भगवान राम चतुरंगिणी सैन्य को साथ में सज्ज करके वो युद्ध करने मारने उसको जा रहे। बोले ठाकुर जी कहाँ जा रहे हो? बोले सुकांत जी को मारने के लिए। बोले प्रभु एक प्राणी को क्यों मार गए, किस लिए? जरूरत छोड़ दो ना। बोले नहीं, वो दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं झुकाया, जिसने सर नहीं झुकाया उसका सर रहने का लायक ही नहीं। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैंने भी प्रतिज्ञा की रक्षा करने की। बोले तुमने कैसे रक्षा प्रतिज्ञा की? बोले प्रभु मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो बीच में फंस गया। भगवान राम ने बोले तू जो कुछ करना तो कर ले, लेकिन उसको मैं मार करके रहूंगा। इतने में से हनुमान जी आए और सुकांत जी को लेकर के चले गए। बोले बेटा मेरे पूछ कर नीचे बैठ गया, अब बैठ करके चलो हम दोनों भगवान के नाम को जप करते हैं। अभी उन्होंने ठाकुर जी की
नाम जप करना सुर कर दिए। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता जय रघुपति पतित पावन सीता बारंबार बोल रहा था हनुमान जी को। बोले हनुमान जी ये जो दो अक्षर राम बोले दो अक्षर ना क्या ये दो अक्षर राम से रक्षा कर पाएगा। बोले चिंता क्यों करते हो भगवान का नाम जप करो ना क्योंकि हरि से बड़ा हरि का नाम कोई चिंता मत करो विश्वास पूर्वक ब्रह्म का नाम जप करो। एक व्यक्ति तो प्रेम से जप कर रहा है और एक डर से जप कर रहा है। डर से कौन जप कर रहा था सुकांत और प्रेम से कौन जप कर रहा था हनुमान जी। इतने में भगवान राम ढूंढते ढूंढते पहुंचे दुष्ट गया था देखा वो तो बैठ करके दोनों प्रभु का नाम जप कर रही। इतने में भगवान राम ने उठाया अपना बाण। भगवान का राम बाण कैसे है जब वो तीन को पकड़ते हैं ना वो एक गुण होता है वो जब निकालते हैं हो जाता है सौ जब चढ़ाते हैं हो जाते हैं हजार जब खींचते हैं हो जाता है लाख जब छोड़ते हैं होता है करोड़ गुण और जो प्रहार करता है प्राण को ले लेता है ऐसे राम का बाण है। लेकिन देखो प्रभु का नाम में कितने शक्ति यहाँ पर दिखा रहे हैं। लेकिन वो प्रभु का नाम जप कर रहे थे लेकिन वहां पर जो नाम रूपि जो चक्र है वो उनको रक्षा कर रहा था उनको चारों तरफ में नाम रूपी चक्र चारों तरफ भ्रमण कर रहा था। भगवान जब राम जो बाण मारे बाण तक गया लेकिन लग करके बाण गिर जाता है क्यों हरि से बड़ा हरि का नाम है ना? भगवान का नाम भगवान से भी बढ़ करके वो नाम रूपी चक्र उनको रक्षा कर रहा था। भगवान का नाम कुछ भी चक्र उनको जो बाण कुछ भी नहीं कर पा रहा था वो जाकर के लगता है गिर जाता है लगता है गिर जाता है। इतने में लक्ष्मण जी ने देखा है तो बड़ा गड़बड़ी हो रहा है ये तो मेरे प्रभु को बड़े तंग कर रहा है। इतने में लक्ष्मण ने उठाया बाण और उन्होंने सीधा श्री हनुमान जी के ऊपर में उन्होंने प्रहार किया। जब उन्होंने श्री हनुमान जी को प्रहार की लगा तो हनुमान की छाती के ऊपर में जबकि लगते ही लगा हनुमान की छाती में और इतने में जो राम है ना बेहोश हो गए भगवान राम बेहोश हो गए। बोले क्यों बोले राम का हृदय में कौन बैठे हुए हनुमान जी के हृदय में कौन बैठे राम बैठे हनुमान जी के हृदय में इसलिए लगा हनुमान के हृदय में और राम बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए जब श्री प्रभु राम के जब होश आए इतने में श्री राम ने सुकांत जी को पूछा बोले सुकांत तुम्हें ये बताओ तेरे को कौन सा संग से असत संग से तेरी ये दुर्बुद्धि हुई जो कि तुमने मेरे गुरु जी को प्रणाम नहीं किया कौन सा असत संग से। बोले प्रभु जी कोई असत संग से नहीं ये सत्संग से हुई। बोले सत्संग से मतलब कौन सा सत्संग बोले नारद जी की सत्संग से हुई। इतने में श्री नारद जी बिना बजाते बजाते आए भगवान श्री नारद जी को पूछे नारद जी ये बताओ तुमने कैसे उसको ये दुर्बुद्धि दी। बोले प्रभु मैं जहां जहां जाता हूं दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं भगवान बड़े ना उनका नाम बड़ा सारा दुनिया मेरे को एक ही प्रश्न करते हैं। मैंने सोचा भैया कितने को मैं जवाब दूं ऐसे एक काम कर लूं सारा दुनिया को पता चल जाए क्या पता चल जाए हरि से बड़ा हरि का नाम
हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, अंत में निकला यह परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। जिस सागर को लंग सके ना बिना ही भूल तेरा श्री राधे राधे, जिस सागर को लंग सके ना बिना ही भूल तेरा श्री राधे राधे। खुद गया हनुमान उसी को, खुद गया हनुमान उसी को, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम श्री राधे राधे। द्रौपदी ने जब नाम पुकारा झट आ गए घनश्याम श्री राधे राधे। साड़ी के झटहारा दुशासन, साड़ी बनाए श्याम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। देखो ये कथा में ये शिक्षा मिल रहा है, अगर हम भगवान के नाम को जप करते हैं भगवान भी बिगाड़ नहीं सकते, भगवान का बाण भी वहां पर अव्यर्थ हो जाता है, इतने भगवान के नाम में शक्ति है। इसलिए नारद जी ने कहा प्रभु ये दुनिया को ये दिखाना मेरे को था हरि से बड़ा हरि का नाम है, इसलिए मैंने ये लीला की। भगवान राम ने कहा ये बताओ अभी गुरु जी के लिए मैंने प्रतिज्ञा की थी कल सवेरे सुकांत जी का मैं सर को मैं काटूंगा, अभी गुरु जी को मुंह क्या दिखाऊं। इतना बोलते ही श्री विश्वामित्र जी वहां पर विश्वामित्र जी पहुंच गए, और विश्वामित्र जी पहुंचते ही इतने में श्री नारद जी सुकांत जी को बोले सुकांत जी जाओ जल्दी जल्दी जाओ और गुरु जी के चरण में गिर पड़ो। और सुकांत जी गए और विश्वामित्र जी के चरण में गिर पड़े। और जो संत कैसे होते हैं कहते हैं ना संत हृदय नवनीत सवाना, संतों का जो हृदय है वो मक्खन से भी ज्यादा कोमल संतों का हृदय होता है। संत संघात नहीं संत सवार्थ है, संतों का हृदय पिघल गया विश्वामित्र जी की। विश्वामित्र जी ने कहा राम तुम मेरे वजह से प्रतिज्ञा की थी ना उसको मारोगे, बोले हाँ, बोले इसको मैं माफ कर दिया, तुम भी माफ कर दो, तुम भी माफ कर दो। देखो ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति है। इसलिए यहाँ पर श्री सुत गोस्वामी कहते हैं बोले एतत् निर्विद्यमानं अर्थ है किसको किसको हरिनाम करनी चाहिए। कहते मुक्त पुरुष जितने हैं निर्विद्यमानं मतलब जो संसार से संपूर्ण मुक्त हो चुके हैं। अभी सुन रहे थे ना शंकर भी पंचमुख में नाम जप करते हैं, माता देवी भी नाम जप करती हैं, ब्रह्मा भी नाम जप करती हैं, सरस्वती भी नाम जप करती हैं, गणेश जी भी नाम जप करते हैं, सारा दुनिया मुक्त अवस्था में भी ये हरि नाम। पिछले श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हरिर मुक्त कुलई उपास्य हरि नाम संश्रयामी, ये हरि नाम को मुक्त पुरुष भी हरि नाम जप करते हैं। बोले इत्यत निर्विद्य माना नाम, बोले दूसरे व्यक्ति कौन हरि नाम करेगा, बोले इच्छता अकूत भयम्, संसार से जो अभय पाना चाहते हैं, संसार से जो मुक्त होना चाहते हैं, जो मुक्त हो चुके हैं और संसार से जो अभय पाना चाहते हैं उनको भी भगवान के नाम जप करनी चाहिए। इसलिए आप कबीर का नाम सुने होंगे, ये कबीर दास जी कहते हैं ये जगत में मरने के लिए सारा दुनिया डरता है। अब देखना अभी पाकिस्तान भारत में युद्ध होने जा रहा था ना, अब देखे होंगे
अगर आटम बम गिरता तो दिखा रहा था क्या स्थिति होने वाली है, हैं? उसमें सारा दुनिया डर गई थी, इसलिए। लेकिन श्री कबीर जी कहते हैं, भैया सारा दुनिया तो मरने के लिए डरते हैं, लेकिन मेरा मन में आनंद है। किसने पूछा भैया दुनिया मरने डरते, तेरा मन आनंद क्यों? बोले कारण है क्या? बोले कारण है, सारा जीवन भर मैंने प्रभु का नाम जप किया है, सारा जीवन भर मैंने प्रभु का नाम जप की, मेरे को पता है मरने का बाद मेरे लिए भैया भी व्यवस्था होगी। क्यों? मैंने प्रभु का नाम रूपी धन को मैंने कट किया है। बोले दुनिया डरते हैं क्यों? बोले हरिनाम नहीं करते ना, भगवान की भजन नहीं करते ना, इसको उनको पता है मरने के बाद डंडा मारते मारते नरक ले जाएंगे, वो नरक भोग हो गए, इसलिए डरते हैं जी। लेकिन इसलिए मैं नहीं डरता हूँ, प्रभु का जिंदगी भर मैंने माला जप की है, मेरे को पता है मरने का बाद। इसलिए मीरा कहती ना, पाए जो मैंने राम रतन धन पायो, जीवन में तुमको मिला क्या? बोले जितने प्रभु का भजन किया, हर जगह में सब ही खोवायो, जगत में सब खोए और जगत में केवल प्रभु का नाम जो जप करते हैं, यही घर ही आपको ब्याज समेत। इसलिए मीरा कहती है, दिन दिन बढ़ता सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये धन चोर नहीं लेवे, लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सदा, ये धन को बढ़ती रहती है। इसलिए बोले इच्छा था अकूत भयम, बोले जोगी नाम नृप निर्मित, बोले ये जो हरिनाम भगवान की जो नाम है, ये चीज को किसने सिद्धांत दिया है? बोले जोगी नाम नृप निर्मित, जितने बड़े बड़े जोगी ऋषि मुनि ब्रह्मा शंकर इंद्र चंद्र सबके जब सारे शास्त्र को मंथन करोगे, अगर मंथन से जब कोई घी जब मक्खन निकलेगा ना, वो मक्खन किया है? बोले भगवान का नाम। इसलिए आप भारत में देखना, भले जिंदगी में जो कुछ करना, जिसको पूजा कर लो, जिसको भक्ति करना कर लो, अंतिम समय जब शरीर छूटेगा, यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोल गत्य है सबके बाद झूठा। बेटा प्रभु के नाम के सिवाय जो कुछ किया तुमने झूठे में बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ यहाँ नहीं जा रही। सब पत्नी रो रो करके दरवाजा तक चलेगी, परिवार शमशान तक चलेगी, उसको आगे और कोई काम नहीं करेगा, केवल काम करेगा प्रभु का नाम, यही था दे तुम्हारी काम करेगा। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते थे सबके सर पर हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर कर बोले, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोले, प्रभु बोले कहिला यही महामंत्र, मैं तुम लोगों को सब हरिनाम दिया है, ये हरिनाम को तुम लोग नियम करके हरिनाम जप करो, और हरिनाम से क्या होगा? बोले सर्व सिद्धि है वे सवाल, सर्व सिद्धि मतलब जो मांगोगे, ये नाम नहीं कभी ये चिंता नहीं है, चिंतामणि मतलब जो मांगोगे वही मिलेगा नाम से, और सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्राप्ति और कृष्ण दर्शन, इसे हरिनाम से ही तुम्हें प्राप्त होएगा। इसलिए आप लोग सभी सवेरे नहा धो करके थोड़ी समय भगवान का नाम लेंगे। इसलिए हमारे संप्रदाय में ना, महाप्रभु का संप्रदाय में कोई माला नहीं छोड़ते। देखो यहाँ पर कुछ माताएं आए, देखो हाथ में माला चल कर, ये माला कोई नहीं छोड़ रही। बोले क्यों? उनको पता है यही धनी जाएगा और कोई जाएगा नहीं। एक जो श्वास हमारी चली गई है, मानो अंबानी, अंबानी अभी अंतिम सज्जा में माना सब पड़ा हुआ है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया ये अंतिम श्वास है, इसके अंतिम श्वास, अगर बोले तुम्हें चार कोहिनूर हीरा देता हूँ इसका एक श्वास को वापस ले आ, ला सकते हैं एक श्वास को? नहीं ला सकते हैं। लेकिन हमारे शास्त्र कहता है अगर ये हर श्वास श्वास में अगर ठाकुर का नाम अगर निकलता है, समझना ये श्वास की तभी सार्थकता। क्यों? भगवान राम कहते हैं, साधन धाम मोक्ष करे द्वारा पाई न जई पर लोग सवारा, ये अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं।
भले हे अयोध्या वासियों, ये 84 लाख जन्म के बाद में एक बार ये मानव शरीर मिला है, 84 लाख जन्म में एक ही जीवा मिला है जिसमें तुम कृष्ण कृष्ण राम राम हरि हरि बोल सकते हो, दो ही कान दिए जिसमें ठाकुर का कथा सुन सकते हो, दो ही हाथ दिए जिसमें ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, दो ही चरण दिए जो घर से सत्संग तक आ सकते हैं, और ये काम कोई नहीं कर सकते हैं। कहते ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम, ये साधन की धाम स्वरूप ये मानव शरीर, लेकिन ये पाए न जई परलोक सवारा, लेकिन ये जीवन पा करके जो परलोक को जो सुधारा नहीं, उसको बाद में कहते हैं, उसको बाद में सर पिटते रह जाओगे, लेकिन ये मानव शरीर तुम्हें नहीं मिलेगा, वही पेड़ पौधा जानवर होकर फिर भटकते रहे। भगवान मानव शरीर नहीं देंगे थे, बोले तुमने क्या क्या जीवन पाकर की, जीवन पाकर तुमने क्या किया, खाए पिए और मर गए, दो चार बच्चे जन्म देकर मर गए, कौन सा जानवर नहीं करता, सूअर एक साथ में 10-10, 15-15 बच्चे दे रहे, महीना में पाल दिया तुमने, दो चार बच्चे बढ़ा दिया, बड़ा कर लिया, तो कौन सा बड़ी तीर मार दिया तुमने, लेकिन ये जीवन नहीं। भगवान कहते ये साधन धाम है ये जीवन, इसलिए जीवन पा करके हमें भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की भजन करते हुए ठाकुर के पास हमें चली जानी चाहिए। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, बलसी हरि नाम संकीर्तन की जय, जय श्री एक ठाकुर जी की कथा भजन सुन वन वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हे ब्रज चौरासी कंस ने चार धाम निज धाम वृंदावन और मधुपुरी बरसन नंदगा की ब्रज समुद्र मथुरा कमल की ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मधुरंद ब्रज बनिता सब पुष्प है मधुकर गोकुल चंद की गोपी जगत में जिनकी तिनके पग वंदन करे कर कृष्ण से प्रीत बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अच्छा मोहन से दिल कौन कौन लगाया है, कोई लगाया है, बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहा है। अरे मोहन से दिल लगाया तभी तो यहाँ आए हैं आप लोग, अगर दिल नहीं लगाते मोहन से तो यहाँ कोई नहीं आता हा? तो आइए सब लोग जो जो दिल लगाए हैं ताली बजाकर नाचते भाई इस भजन को गाएंगे। अरे मोहन से दिल क्या लगाया मैं जानू या हो जानू मोहन से दिल के लगाया मैं जानू या हो जानू मैं जानू या हो जाने मैं जानू या हो जाने चलिया पे दिल के लगाया
बोलिए क्या बोलना है। हाँ प्यार से एक बार और जोर से प्यार से बोलेगी सभी लोग एक बार हाथ उठाने हाथ उठाकर राधे राम की बोली लगाना प्यार से बोलो अरे बजाते हैं चार मानस पुत्र है सनक सनातन सनातन और सनत कुमार। जब जब ब्रह्मा जी इनको सृष्टि की ब्रह्मा जी ने आदेश दिया ठाकुर का निर्देश है ये संसार का क्रम को बढ़ाओ लेकिन चतुसन ने इनकार कर दिया। बोले पिताजी ये घर गृहस्थी में हम फंसना नहीं चाहते बड़ा दुख में। बोले भगवान ने सृष्टि की और आदेश दे रहे हैं पिताजी सृष्टि का काम करो तुम पहले ही इनकार कर रहे हो। बोले घर गृहस्थ नहीं करोगे। बोले एकदम नहीं है। बोले अगर घर गृहस्थ नहीं करोगे ना हम तुम्हें अभिशाप देता हूँ जैसे 5 साल उम्र के हर समय ऐसे ही बन जाओ कभी इससे बड़ी नहीं बनोगे। बोले पिताजी ये थोड़ी अभिशाप तो बरदान नहीं। बोले क्यों। बोले संसार का जितने सारे बोझ है वो बड़े ऊपर बच्चों के ऊपर भी नहीं। बच्चे तो खेलते कूदते हैं आनंद लेते हैं इसलिए चतुसन हर समय इनका जीवन किया है। बोले कृष्ण कथा मात्रे के जीवन अगर कहीं कथा सुनाना मिल जाए कथा सुनाना शुरू कर देते अगर कोई सुनने वाले नहीं ये चारों भैया में एक भैया तो व्यास नदी पर बैठ जाएंगे और 3 भैया बैठ करके कथा सुनते हैं इसलिए हर समय प्रभु की कथा ही इनका जीवन है। इसलिए भागवत में बताए बोले आयुर हरत वही इंसान उत्तर अस्तन चौ। बोले जो सूरज है ये सूरज नहीं ये काल है ये सभी का परमायु को हरण करता है लेकिन किसका परमायु को हरण नहीं करता है। बोले तस्ते जम खणम नीता उत्तम श्लोक वाला है जितने समय हम भगवान की कथा सुनते हैं भगवान की भक्ति भगवान के नाम जप करते हैं उसको ऊपर में काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि जो काल है ना वो भगवान ठाकुर जी है। भगवान की जो दूसरा अवतार है भगवान बराह रूप में अवतीर्ण। देखो विशेष करके बताए शाम का समय में हमें 4 काम नहीं करने चाहिए। मतलब क्या क्या 4 काम नहीं करने चाहिए ध्यान देकर सुनो। पहला काम है शाम का समय में सोनी नहीं चाहिए। जो शाम का समय में सोएगा उसको घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी लक्ष्मी घर से चली जाएगी। दूसरा काम है पढ़ने नहीं चाहिए। उस समय भगवान की भक्ति करो भजन करो ठाकुर का आदत होता था लेकिन उस समय पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों। बोले जो पढ़ेगा उसका स्मरण शक्ति नष्ट हो जाएगी। बोले तीसरा काम बोले भोजन नहीं करनी चाहिए। जो भोजन करेगा उसका पेट का रोग होगा उदर रोग होगा। और जो चौथा काम पति पत्नी में मिलनी नहीं चाहिए। कभी ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कैसे जन्म हुए। बल्कि एक समय जो दीति थी इनके पति थे कश्यप जी
एक समय बीती ठीक शाम का समय में शीशा के सामने खड़ी होकर के बड़ी सुंदर उसने अपना शरीर को श्रृंगार किया और शीशा की जब अपना परछाई को देखी वो इतने कामातुर हो गई। उसने जाकर के कश्यप जी से मिलने के लिए प्रार्थना की। कश्यप जी ने कहा देखो दीदी ये समय अच्छी समय नहीं तो मिला मत कर। लेकिन वो इतने काम में आसक्त हो गई थी वो पति से जोर जबरदस्ती उसने मिली। मिलने का बाद कश्यप जी ने कहा तुमने अच्छी काम नहीं किया तेरे गर्दन में राक्षस जन्म लेते इसलिए इनकी गर्दन से हिरण्यनाक और हिरण्यकश्यप जन्म हुआ। लेकिन उसको बाद में उसने बड़ी दुखी हुई बोले पतिदेव मैं बड़े कामातुर हो गई थी इसलिए मेरे अपराध को तुम माफ कर दो। कश्यप जी ने कहा ठीक है तुम्हारे बेटे तो बनेंगे राक्षस लेकिन बेटे के जो बेटे होंगे ना वो भक्त बनेगा इसलिए हिरण्याक्ष का पुत्र जो हुए श्री प्रह्लाद चंद्र होकर जन्म ग्रहण किए। इसलिए भगवान वराह अवतार क्यों ग्रहण की बोले जगत में जो हिरण्याक्ष था जगत में इतने उत्पात उतने मचाया इतने उत्पात मचाया उसने पृथ्वी को ही रसातल में ले लिया। जिस समय भगवान ने आदेश दिया ब्रह्मा जी को सृष्टि का क्रम बढ़ाओ उन्होंने श्री मनु महाराज को सृष्टि की। मनु महाराज जी को बोले सृष्टि का क्रम बढ़ाओ बोले पृथ्वी है ही नहीं संसार सृष्टि का होगा। तब ब्रह्मा जी छींके तो उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी जन्म हुआ और उसने बढ़ते 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 विशाल रूप धारण किया वो श्री भगवान वराह दे दे बोले श्री वराह भगवान की। इसलिए वराह देव ने ये पृथ्वी को पुनः उन्होंने धुरी पर उन्होंने स्थापन की फिर मनु महाराज ने सृष्टि की क्रम को बढ़ाए। कहती है भगवान की दूसरा अवतार है ठाकुर जी का जो तीसरा अवतार बोले श्री नारद जी। आप लोग सब नारद जी का नाम जानते हो जगत में नारद जी की बड़ी बदनामी है। हम कहते ना तो क्या नारद जी का काम करते हो मतलब क्या झगड़ा लगाते हो बोले ऐसे नहीं ये नारद जी के बगैर ठाकुर का कोई लीला ही नहीं है। राम लीला में देखो कृष्ण लीला में देखो कोई भी लीला में देखो जब तक ये नारद नहीं है ना तब तक प्रभु को कोई लीला ही नहीं है। अब विशेष करके नारद जी की चार चले हुए हैं बोले दो बालक और दो वृद्धा बोले दो बालक कौन हुए बोले एक ध्रुव और एक प्रभात। ऐसे नारद जी की कृपा ऐसे नारद जी की कृपा हुई इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बोले जनामा मोनी जाता ना कराई अंतरामा कभी आवत नाई बोले जन्म जन्मांतर तक जतन करने पर भी अंतराम कहीं आवत नाई। लेकिन देखो नारद जी कृपा ध्रुव को 5 साल उम्र में भगवत दर्शन प्रहलाद जी को 5 साल उम्र में जब उसको पिताजी ने पूछा तेरे हरि कहाँ है बोले ये तो बताओ मेरे हरि है नहीं कहाँ बोले ये खंभे में क्या है बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु बैठे करके मुस्कुरा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने एक मुष्टिका का हाथ प्रहार की खंभा फट करके भगवान श्री नरसिंह देव प्रकट हो गए बोले श्री नरसिंह भगवान की। कोई जयकार नहीं दे रहे ठाकुर जी जब जोर से बोलो बोले श्री नरसिंह भगवान की। इसलिए ऐसे श्री नारद जी की कृपा हुई है और दो वृद्ध चले हुए बोले एक व्यास और एक श्री वाल्मीकि ये दोनों ने ऐसे अद्भुत दो ग्रंथ बनाए जो कि हमारे सनातन धर्म के लिए ये अनमोल ग्रंथ है। इसलिए व्यास देव जी ने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ बनाए और श्री वाल्मीकि ये पहले दशरथ नगर था इतने ब्राह्मण को उसने हत्या की जने से कुएं भर दिया था। जब नारद जिससे मिले बोले बाबा निकाल तेरे पास में क्या है बोले भैया हम तो संत हैं हमारे पास में 3 ही चीज है लोटे सोटे और लंगोटे बोले जो कुछ हो निकालो। नारद जी ने कहा ये बताओ तुमने ये जो पाप को द्वारा पैसा कमा रहे हो ये पाप को कौन भोग करेगा बोले मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे पत्नी मेरे पिता माता बोले देख ये सब के सब सुख का समय में तेरे साथ है लेकिन जो कर्म का फल भोग करोगे ना
कोई भी भोग करने वाला नहीं। जा पूछ लड़का, पत्नी से पूछा, बोले जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहा हूं इसमें तू अंशीदार है कि नहीं? बोले क्यों, घर का काम मेरी, बाहर का काम आपका, मेरे को पता नहीं कैसे पैसा कमाते। बच्चों से पूछे, बोले आपका कर्तव्य है अभी हमको बड़ा करना, लिखाई पढ़ाई करना, जब हम बड़े होकर के पैसा कमाएंगे फिर सोचेंगे। वो भी लेने के लिए चाहेंगे। इतने में उन्होंने अपना पिता माता को पूछे, बोले तुमको लिखाया पढ़ाया, जन्म दिया, किसने जन्म दिया, पैसा हमने कैसे कमाया ये हमें पता, तू कैसे पैसा कमाता हो मैंने पता नहीं। बोले भैया नारद तो सही बता रहा था, ये सब के सब सुख में साथ दे रही, ये तो कोई दुख में हाथ, कोई दुख लेने के लिए तैयार ही नहीं। ये दुनिया बड़ा विचित्र दुनिया है, आपको पूछेगा आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसे हो, और पैसा अगर आप कैसे नहीं, तुम कौन हो, तुम कौन हो। फिर उसने वापस आया, बोले नारद जी आप तो सही बता रहे थे, मेरे मन में तो बड़ा भ्रम था, शायद ये सबके सब हमें कर्म फल को भोग करेंगे, लेकिन कोई तो भोग करने के लिए तैयार ही नहीं, बताओ अभी हम क्या करेंगे। तो नारद जी बोले एक काम करो, भगवान राम का नाम को तुम जप करो। इसलिए क्या करो, प्रभु का नाम जप करो, बोलो राम, बोलो बोलो। लेकिन वो इतने पाप किया था, उसको मुंह से राम का नाम ही नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोला इतना तो बोल सकता है। इसलिए कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई, विचार कर सुमन मन माही। उसने मराम राम करते 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 उन्होंने रामायण लिख लिए, राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिख लिए। मतलब भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं, देखो ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति है। आप लोग कभी कोई बीज लगाया है मिट्टी में, मिट्टी में कोई बीज लगाया है? कौन कौन लगाया? सबको लगाया। अब देखना जब गेहूं की खेती होती है, वो गेहूं का बीज लेकर ऐसे फेंक देते हैं, जमीन में ऐसे ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन वो भले ही उल्टा पड़े नहीं तो सीधा पड़े, लेकिन पेड़ जब होता है कैसे होता है? सीधा होता है। गोस्वामी जी कहते हैं भले ही जैसे बीज गिरे क्यों नहीं, लेकिन वो पेड़ सीधा होगी। कहते भगवान के नाम उल्टा पुल्टा अगर किसी तरह से अगर ठाकुर का नाम लोगे ना, लेकिन जो फल है ना वो जरूर सीधा ही फल देगा, वो उल्टा फल नहीं देगा आपको, वो सीधा फल देगा। इसलिए उन्होंने मराम मराम करते करते राम राम हो गया, रामायण ग्रंथ लिखे। इसलिए कहते हैं भगवान की ये तीसरा अवतार, चौथा तीसरा अवतार है, भगवान श्री नारद रूप में प्रकट हुए, इसलिए इनका नाम नारद। ये नारद मतलब क्या होता है? बोले नर, नर मतलब होता है रस, और द मतलब होता है सबको जो रस देते हैं, नर मतलब होता है ज्ञान, सबको द मतलब सबको जो ज्ञान दे, नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब खंडयति, जीव का भव बंधन को जो मुक्त करा देते हैं। अगर नारद जी के एक बार किसकी संग हो जाए ना, वास कल्याण हो जाएगा। इसलिए जिस समय दक्ष प्रजापति ने भगवान का निर्देश से उनने 10,000 बच्चों को उसने जन्म दिया, और पहले नियम था गुरुकुल में जाकर के सवाई सब पढ़ते थे, अभी उन्होंने 10,000 बच्चों को गुरुकुल भेज दिए और नारद जी को पास में, जब उनकी पढ़ाई लिखाई हो गई उसको बाद में फिर गृहस्थ धर्म जाजन करते थे, अपना गृहस्थ धर्म जाजन करते थे, अभी वापस जाएंगे। इतने में नारद जी बोले देखो अभी तुम लोग घर गृहस्थी करने जा रहे हो, लेकिन समझ बूझ करके जाओ, क्योंकि एक बार फंसने पर उससे निकलना बड़ा कठिन है। तब श्री नारद जी उन्होंने कुछ कूट प्रश्न किया, भैया जो माई के है ना थोड़ी सी कम कर दो, थोड़ी सी हरे कृष्ण। तब श्री नारद जी उनको कुछ कूट प्रश्न किया, देखो क्या प्रश्न करते हैं, बोले बच्चे ये बताओ ऐसे कौन सा चक्र है जो चक्र को कोई नहीं घुमाते हैं वो चक्र अपने आप घूमती है। बच्चों बता सकते हो वो कौन सा चक्र है? कौन सा चक्र है? हाँ
लगता है हम लोग सब पढ़ते थे। कभी ये काल चक्र है, हम जन्म हुए, धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई की, शादीशुदा हो गई, बच्चे हुए, देखना धीरे 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 बाल पकना शुरू हो गए, आंख में कमजोरी आ गई, एक एक दांत टूटना शुरू की, सारे चमड़ा ढीली पड़ गई और राम नाम सत्य हो गए। बताओ ये चक्र को कोई घुमा रहा है? ये चक्र अपने आप घूम रहे। बोले भैया जीवन का सबका काल चक्र तो घूम रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का जो काल चक्र है ना वो घूम नहीं रहा है, वो एक जगह पर खड़ा हुआ है। बोले सबका परमायु तो नष्ट हो रहा है, ये काल रूपी सूरज सबका नष्ट तो कर रहा है, लेकिन एक व्यक्ति का परमायु ये काल चक्र का प्रभाव उसको पर पड़ती नहीं है। बोले किसको पर नहीं? बोले तस्वीते जम खेणम नीत उत्तम श्लोक वाता है। हम लोग जितने समय उसको स्मरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं ना, उसको ऊपर में ये काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी की काल चक्र तो घूम रहा है, लेकिन जो भजन कर रहे हैं ना उनका काल चक्र बंद है, उनका चक्र जीवन का चक्र खत्म नहीं हो रहा है, नष्ट नहीं होता है। उनका दूसरा प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा हंस है जो बड़ा विचित्र बात करता है, बड़ा विचित्र बात करता है हंस। बोले गुरु जी हंस थोड़ी बात करता है, तो कुछ बोलता है वो थोड़ी कुछ बात करता है। मतलब यही तो बात है, ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र विचित्र बात करता है? कहते वो कौन सा हंस है? बोले हमारा वेद है, ये पुराण है, ये भागवत है, ये गीता है, बड़ा आश्चर्य आश्चर्य बात करता है। बोले क्या आश्चर्य बात करता है? कहते भैया तुम इसी दुनिया की है ही नहीं, तुम रिफ्यूज हो करके कुछ दिन के लिए यहाँ पर आए हो और यहाँ तुमको छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तुम्हारे छोड़ना पड़ेगा, इसलिए बोले जाट टू गॉड है। इसलिए हमारे स्वामी महाराज जो पत्रिका निकाल देते पहले, वो बोलते थे जाट टू गॉड है, अपना घर में लौट चलो, ये तुम्हारी घर नहीं, इसलिए अपना घर पर चलो, वापस चलो। और अपना घर कहाँ पर? बोले ठाकुर के चरण, जिसको ठाकुर जी कहते हैं जत गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम, जहाँ जाने पर जीव कभी संसार में नहीं आता है वो भगवान की गोलोक वृंदावन धाम है। उनका जो तीसरा चौथा प्रश्न है, बताओ तो ऐसे कौन सा बील है जो बील में एक बार कोई फंस जाए ना उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। अगर वो बील में एक बार घुस जाए वो बील से निकल नहीं सकते हैं, बता सकते हो ऐसे कौन सा बील? बोलिए गृहस्थी, ये घर गृहस्थी। एक बार फंस जाओ ना, हम सोचते हैं शायद लिखाई पढ़ाई हो गई, नौकरी चाकरी हो गया है, अभी अगर बच्चे को अगर शादी दे देंगे ना बस सारे खत्म, दायित्व खत्म हो जाएगा। अभी बच्चे को हमने शादी करवा दी, शादी करा तो घर में बहू आ गई। पहले तो कभी कभी घर से निकल जाते थे, कभी सत्संग से कभी भक्ति से, लेकिन देखना घर में जब शादी हो गई कोई बहू आ गई घर से निकल नहीं पा। अगर कोई नाती पोती आ जाए ना, आ गया घर में फिर तक गया, जाना ना खत्म। बोले नौकरी भी कोई काम नहीं, घूमती रहती है, हैं बच्चे को पकड़ती नहीं, फिर तो मुंह टेढ़ी करके बात करेगी, रोटी भी फेंक करके दे देगी। इसलिए हम सोचते हैं शायद निकल निकले, देखना जितने निकलना चाहते हैं उतना दल दल में फंसते जा रहे हैं। कभी ये घर गृहस्थी ऐसे के पील है जिसे एक बार फंस जाओ जिसे निकलना बड़ा कठिन है, जिसे निकल नहीं पाओगे। इसलिए उनका जो पंचमा प्रश्न है, देखो ये प्रश्न का आप उत्तर दो। बोले ऐसे कौन सा नदी है जो एक साथ में दो तरफ में बहती है? बता सकते हो ऐसे कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है? कौन बोलेगा हाथ उठा? बोल सकते हैं कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बह रही है? बोलिए जन्म और मृत्यु। हम कहते हैं हम तो बड़े हो रहे हैं, कितना साल के? बोले 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। बोले भैया तुम कोई बड़े नहीं हो रहे, छोटे होते जा रहे, एक साथ में दो तरफ में बह रहे हैं, मतलब हम बड़े होते जा रहे हैं उतना तुम्हारी परमायु इधर खत्म होते जा रही है। जितना इधर बड़े होते जा रहे हो इस तरह भी उतना तुम्हारी परमायु खत्म होते जा रही है। हम कोई बड़े नहीं हो रहे, हम सबके सब छोटे होते जा रहे हैं।
कि जन्म और मृत्यु जो एक साथ में दो तरफ में बहती है, उनका छठवां प्रश्न है, भैया पिताजी का क्या आदेश है, पिताजी की हमारी प्रति क्या आदेश है? बोले उनको केवल एक आदेश है, बोले स्मर्तव्य सततम विष्णु न जातु चिता। उनका एक ही आदेश है, हर समय उसको याद करो, हर समय उसको याद करते रहो, और निषेध किया है मना किया कभी उसको भूलो मत, कभी उसको भूलना नहीं, आदेश है हर समय उसको स्मरण करो, और निषेध है कभी भगवान को भूलो मत। देखो एक समय कोई एक व्यक्ति था, वो सुइसाइड करने जा रहा था। बोले क्यों? बोले ठाकुर मेरे को कुछ दिए ही नहीं। ध्यान देकर सुनो, बोले ठाकुर हमें कुछ दिए ही नहीं, अगर सोने में हाथ लगा देना सोने भी मिट्टी हो जाता है, इसलिए प्राण रख करके क्या लाभ, मैं तो सुइसाइड करने जा रहा हूँ। इतने में ठाकुर जी एक संत बन करके आए, बोले बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले सुइसाइड करने के लिए। बोले क्यों? बोले ठाकुर मेरे को कुछ दिए ही नहीं, ठाकुर हमें कुछ दिए ही नहीं, सोने में भी हाथ लगा वो भी मिट्टी हो जाता है। बोले ठाकुर तेरे को कुछ भी नहीं दिए। बोले ठाकुर मेरे को क्या दिए? भगवान ने कहा एक काम करोगे? बोले बताओ। बोले तेरे को मैं 10 लाख रुपया देता हूँ, एक आंख निकाल करके दे दो। बोले एक आंख निकाल दूंगा तो देखूंगा कैसे? बोले तू बोल रहा था ना ठाकुर तेरे को कुछ दिए नहीं, ठाकुर तुम्हें एक आंख दे सकते थे लेकिन ठाकुर तुम्हें 2 आंखें दी। बोले क्यों? बोले कभी अगर एक आंख खराब हो गया दूसरा आंख में दे सकते थे। 10 लाख रुपया में तुम्हें एक आंख देने के लिए तैयार ही नहीं, 2 आंख का कितना का कीमत हो गया? 20 लाख हो गया। बोले एक काम करोगे? बोले 10 लाख रुपया देता हूँ, एक कान काट कर दे दे। बोले कैसे कान काट कर दे दे? बोले तू बोले भगवान के तेरे कुछ दिए ही, 10 लाख 20 लाख हो गया कि? बोले तेरे को 10 लाख रुपया देता हूँ, एक हाथ काट कर दे दोगे? बोले हाथ कैसे काट कर दे दे? बोले दोनों हाथ का हिसाब लगा। भगवान कितने सोच करके 2 हाथ दिए, एक हाथ अगर कभी खराब हो जाए दूसरा हाथ काम कर सकता है। बोले एक अंगुल मेरे को काट करके दे दे 5 लाख रुपया में। बोले कैसे दे दे? बोले तू बोले भगवान दिए नहीं तो 10 अंगुल दिए, ऊपर 5 नीचे 5, हिसाब लगा तो 1 करोड़ हो गया। बोले एक किडनी दे दोगे? 20 लाख में किडनी निकाल करके दे दोगे? बोले नहीं, किडनी कैसे दे दे दो? बोले ठाकुर जी एक किडनी दे सकते थे लेकिन तेरे को 2 दी। बोले क्यों? कभी अगर किसी कारण से खराब हो गया दूसरे किडनी काम करेगा। ठाकुर जी कितनी सोच करके तुम्हें ये जीवन दिया है, अगर हिसाब करोगे ना ये शरीर का कीमत कितने अरब खरब रुपया होगा, ये शरीर का इतनी कीमत है, और तू बोल रहे हो ठाकुर को जो दिए ही नहीं। इसलिए श्री सूरदास जी एक अच्छी बात कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम को न पुटी लगा। ये सूरदास का पद है, जिनी तनु दही ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम को न पुटी लगामी। इसलिए क्या करनी चाहिए, हर समय उसको स्मरण करो, और निर्देश नहीं कभी उनको भूलना कभी नहीं। इसलिए एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। और एक बार बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे सुत गोस्वामी भगवान के अवतारों का नाम गिना रहे थे, उन्होंने बोले कृष्ण भी एक अवतार है। सुत गोस्वामी डर गए, बोले मैंने तो गड़बड़ी कर दिया। बोले क्यों? बोला कृष्ण भी एक अवतार। बोले कृष्ण अवतार नहीं है। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले अवतारी। बोले अवतारी का मतलब क्या है? बोले जिनसे ये सारे अवतार आते हैं, इसलिए फिर उन्होंने कृष्ण के लिए एक अलग श्लोक लिखे। बोले एते चार सकला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोकम मृगयन्ति जुगे जुगे। बोले हे सुन,
सुनोगा ऋषियों, अभी तक मैंने जितने मत्स्य कुर्म बराह नृसिंह बामन जिन जिनों का नाम लिया है, ये कौन है? बोले कृष्ण का कोई अंश और अंश का कोई अंश कोई कला है, लेकिन ये जो कृष्ण है ना, ये पूर्ण ब्रह्म, ये कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, बोले अहोभाग्यम अहोभाग्यम नंद गोप प्रजोपसाम जनमित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते जो कृष्ण है ये पूर्ण ब्रह्म सनातन, जो सोलह कला में परिपूर्ण श्री कृष्ण है, ये पूर्ण कृष्ण है। इसलिए उदाहरण दिया, जैसे यहाँ पर कोई फंक्शन हो रही है, आप सबको निमंत्रण दिया, लेकिन आपने मोदी को भी निमंत्रण दिए, आप भी आ रहा। अभी साधारण व्यक्ति जहाँ बैठ करके प्रसाद पा रहे थे, इतने में आपको ध्यान नहीं रहा, मोदी भी आकर उस लाइन में बैठ गया। अभी ध्यान नहीं था तुम्हारी, हठात ध्यान बढ़ा, मोदी जी आए प्राइम मिनिस्टर, फिर आप क्या करोगे? उनको लेकर के अलग सिंहासन दोगे, सबसे उच्च सिंहासन में बैठाओगे, बैठा करके उनको सम्मान करोगे। उसी तरह श्री सुत गोस्वामी ने देखा, मैंने भगवान अवतार का नाम लेते लेते बोल दिया कृष्ण भी अवतार है, बोले ये कृष्ण अवतार नहीं है। उन्होंने सोने के सिंहासन पर भगवान कृष्ण को उसमें बैठाए, बैठा करके उन्होंने उद्घोष किया, बोले उन्होंने क्या बोले? उन्होंने बोले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारण। ये जो भगवान कृष्ण है, जितने सारे कारणों का जो मूल कारण है, ये भगवान कृष्ण है, ये कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म, जिनके अंदर में 64 गुण परिपूर्ण रूप में है। हाँ देखो, एक चीज को अच्छे तरह से सुन लो, कहते जगत में अच्छे तरह से चीज को समझ लो, कृष्ण कौन, देवादेवी कौन है? कहते कि जो जगत में जितने जीव है, कहते इनके अंदर में 50 गुण है, सभी जीव के अंदर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में 50 गुण है, लेकिन यही 50 गुण जो स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं, यही 50 गुण उनका अंदर में थोड़ी ज्यादा लगा करेंगे देवता का अंदर, लेकिन विशेष करके 5 गुण है जो इसी जीव में भी नहीं, ये देवता में भी नहीं, लेकिन ये केवल श्री शंकर जी और ये ब्रह्मा जी के अंदर में और 5 गुण ज्यादा है। 5 गुण जो जीव में नहीं, इंद्र चंद्र में भी नहीं, 5 गुण, और कितना हो गया? 55 गुण हो गया। लेकिन और जो 5 गुण है जो जीव में नहीं, ये देवता में भी नहीं, कभी ये श्री शंकर ब्रह्मा जी में भी नहीं, ये केवल भगवान विष्णु में विद्यमान है। जितने भगवत अवतार है, मत्स्य कुरुमा नरसिंह भगवान के जितने अवतार है, उनका अंदर में और 5 गुण है, कितना हो गया? 7 गुण हो गया। लेकिन विशेष करके और 4 गुण है जो जीव में भी नहीं, देवता में भी नहीं, जो शंकर ब्रह्मा में भी नहीं और विष्णु में भी नहीं, ये भगवान के मत्स्य कुरुमा बराह नरसिंह इनके अंदर में नहीं, वो केवल भगवान कृष्ण में ही विद्यमान है। कहते वो 4 गुण क्या है? बोले पहला गुण है, बोले सर्वाद्भुत चमत्कार लीला कललोलवारिधि। इनके पहला लीला है जो गुण है, कहते भगवान की लीला माधुर्य है, किसी ने रास नहीं रचाया, केवल श्री कृष्ण हमारे श्री बांके बिहारी ने ही ये रास केवल भगवान बांके बिहारी ने रचाया। किसने भक्तों की प्रेम में कृष्ण जितने वशीभूत हो गए और कोई इतने वशीभूत नहीं हुए अभी तक, भगवान को कोई बांधे थे कोई नहीं बांध सके, भगवान माया के द्वारा जीव जगत को बांध करके रखे, लेकिन भगवान कृष्ण को मैया जसोदा पोखर में बांध देते हैं। भगवान की झूठा विश्व ब्रह्मांड खाता है, लेकिन भगवान भी कृष्ण दूसरों को झूठा खाते हैं, बोले किसके? बोले सखा को झूठा कृष्ण खाते हैं। कोई भगवान कभी किसका झूठा खाते हैं? अगर सखा लोग कहीं गए, किसी सखा को कोई मीठा फल मिल गया, सखा लोग पहले खा लेते, खा करके बोले कन्हैया फल बड़ा मीठो फल है, कन्हैया बोले गए तू अकेले खाओगे मेरे को नहीं दोगे, वो झपट करके उसको झूठा तो खाएगा।
अगर श्री राम कृष्ण कभी मल्ल युद्ध होता है, अगर कभी कृष्ण हार गए ना, श्री राम कहता है कृष्ण तू घोड़ा बन, ये माठ बन से भांडीरवट तक हमें घोड़ा बन करके बैठा कर ले जाओ। अगर कृष्ण कभी कभी कहता है नहीं मैं घोड़ा नहीं बनूंगा, बोले घोड़ा नहीं बनोगे तो नहीं, तब सखा लोग कहते एक काम कर कृष्ण को अलग कर दो, इससे कोई बात नहीं करना, इससे कोई बात नहीं करना, हम तो घोड़ा बने, हमारे घर कंधे पर बैठ गया, जब इसकी बारी आई बोले कंधे मैं नहीं बैठाऊंगा, इससे कोई बात मत करना अलग कर दो। कृष्ण कहते नहीं 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 मैं घोड़ा बनूंगा, मेरे को अकेले मत कर, मतलब भगवान हो करके घोड़े बन जाते हैं और अपना भक्तों को कंधे पर बैठाते हैं। इसलिए कहते हैं जितने ये लीला माधुर्य है ना, ये भगवान कृष्ण में ये पूर्ण रूप में लीला माधुर्य है। इनके जो दूसरा माधुर्य है ये बंसी माधुर्य है, ये बंसुरी और कोई नहीं बजाए, ये कृष्ण ही केवल बंसुरी बजाए। और ऐसे बंसी ध्वनि हम आगे सुनेंगे, कृष्ण जब बंसुरी बजाते थे आकाश में मेघ छा जाती थी, वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाती थी, जमुना ऐसे बहती थी, लेकिन कृष्ण के बंसी सुन करके जमुना उल्टी बन जाती, गैया घास मुंह में घास को घास रह जाती है, अगर बछड़े अगर जब सुनते हैं दूध पीना बंद हो जाता है, जितने कोयल चिड़िया सबके सब मुनि बन जाते हैं, हैं? इसलिए उनकी बंसी ध्वनि अद्भुत, उनकी बंसी ध्वनि हम आगे सुनेंगे, भगवान की बंसी ध्वनि में क्या चमत्कार था, जो कि विश्व ब्रह्मांड को मुग्ध कर देते थे। कहते भगवान की ये बंसी माधुर्य, उनका जो तीसरा माधुर्य है बोले रूप माधुर्य। कहते कृष्ण जितने सुंदर है ना जगत में और इतना सुंदर कोई नहीं, इसलिए कभी कभी गोपियां कृष्ण पर ताना मारती थी, बोले क्या बोलती थी, बोले नंद लाला तू यदि हो तो लाली गला कट जाती करोड़ों की, ये गोपियां कृष्ण पर ताना मारती है, बोले अच्छा क्या परमात्मा ने तेरे को लाली नहीं बना करके लाला बना दिया, अगर तेरे को अगर लाली बना देना तो इतने सुंदर हो, इतने सुंदर हो, पता नहीं विश्व ब्रह्मांड तेरे को पाने के लिए जितने क्षत्रिय सब के सब युद्ध करके मर जाते, तू इतने सुंदर कृष्ण है। इसलिए कहते हैं ना बांके बिहारी की देख चटा मेरो मन है गयो लटापटा, बांके बिहारी की देख चटा देख चटा मेरो मन है गयो लटापटा, I'm gonna make you mine.
क्योंकि वृंदावन में एक संत दूसरे संतों से बोले कि कीर्तन में जहां देखो वहां कहता है ताली बजाओ जागरण में कथा में और कीर्तन में, तो बोले आखिर ताली बजाने से होता क्या है। तो दूसरे संत बोले देखो कीर्तन में ताली बजाने से पाप निकल जाते हैं। तो बोले फिर पाप निकल कर जाता तो जाता था, उसको भी तो रहने के लिए जगह चाहिए। तो बोले ऐसा है जो कीर्तन में ताली बजाते हैं उनका पाप निकल करके उनके सिर पे बैठ जाता है जो ताली नहीं बजाते। तो आप लोग बताएं पाप बैठना कोई चाहेंगे है? नहीं चाहेंगे ना, तो इसलिए ताली बजा कर सभी गाएंगे। ताली बजा कर कैसे मेरे मन में है गया मता पता, मेरे मन में है गया मता पता, हर बाजू हर गीत छता गीत छता, हर मेरे मन में है गया मता पता, मेरे मन में है गया मता पता। सर्वश्रेष्ठ है,
लेकिन कृष्ण नाम से भी एक नाम सर्वश्रेष्ठ है। देखो ध्यान देकर सुनो, ये कृष्ण खुद कहते हैं, बोले कृष्ण कहते हैं, बोले मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदूतम जग करोति सदा राधा ना जाने महिमा की। तब कृष्ण खुद करेगा, बोले मेरे नाम जो 100 बार लेगा, अगर एक बार श्री राधा जी का नाम ले लेना, एक बार राधा जी का नाम के समान मेरे 100 नाम है। कृष्ण स्वयं कहते हैं, ये किसको कहते हैं, कृष्ण ये बात है चंद्रमा को बोले, चंद्रमा जो मेरे नाम लेता है 100 बार लेने से जो फल मिलेगा, एक बार से राधा का नाम लेने से वही फल मिलेगा। इसलिए आप वृंदावन में जाओ ना, इसलिए कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जोर से बोलो और जोर से। इसलिए हम लोग भी जो ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे मतलब राधा, हरे मतलब श्री राधा रानी। इसलिए हम सबसे पहले श्री राधा रानी का नाम लेते हैं, क्योंकि राधा के बगैर कृष्ण आधा है, राधा के बगैर कृष्ण आधा है। इसलिए श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, कृष्ण किसको जल्दी जल्दी मिलेंगे, हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, संत कहते हैं, किसको कृष्ण जल्दी जल्दी मिलेंगे, बोले राधिका दासी यदि है अभिमान शीघ्र मिले कभी गोकुल का। कृष्ण तभी उसको जल्दी मिलेंगे अगर किसकी अंदर में अभिमान आ जाए, हम तो श्री राधा रानी की दासी है, हम कृष्ण का दास नहीं है। हमारे श्री भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी अगर हमें पूछा जाए, भैया कृष्ण का साथ में तुम्हारी क्या संबंध, बोले कृष्ण से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारी मतलब तो श्री राधा रानी के साथ है। हाँ, इसलिए कृष्ण का साथ में मतलब है, चूंकि वो राधा जी के प्राण प्रिय लगते हैं, राधा रानी के वो प्रियतम लगते हैं, इसलिए कृष्ण से हमारे दूर संबंध है, लेकिन राधा रानी से हमारे डायरेक्ट जो संबंध है ना, वो राधा रानी को साथ में, इसलिए पहले हम हरे शब्द कहते हैं, हरे मतलब श्री राधिके, बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की, जय जय श्री राधे। अभी श्री स्वर्णकादि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं सुतो गोस्वामी को, कहते आप कृपा करके ये बताओ, ये व्यास देव ने ये भागवत ग्रंथ क्यों रचना की, क्या जरूरत उनको पड़ी। और दूसरी प्रश्न है, जैसे यहाँ पर कथा सुचित्रा देवी इनकी परिवार कथा करवा रहे, सबको निमंत्रण दिए होंगे, कथा में आओ कथा में आओ कथा में आओ, है अगर किसको कथा में आने के लिए बोलो ना, बोलेंगे भैया आप पत्नी को बोले तू चले जा, मैं अपना काम निपटा करके आ जाऊंगा, बोले काम अभी किसका निपटा है, बोले खुद निपट जाओगे, काम कभी निपटने वाले नहीं है तुम्हारे, काम कभी निपटने वाले नहीं। लेकिन अगर किसको छोटी मोटी कोई बिजनेस हो, कोई दुकान हो ना, वो कथा में नहीं आएगा। लेकिन श्री परीक्षित महाराज उसी समय में केवल भारत का राजा नहीं थे, चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती मतलब है ये संपूर्ण ये पृथ्वी को ऊपर ये राज्य तो कर रहे थे, पृथ्वी को ऊपर, इसलिए कहते ना ऑस्ट्रेलिया नाम, ये ऑस्ट्रेलिया नाम क्यों पड़ा, बोले ये पांडवों का अस्त्रगार था, वहां पर एक पर्थ नाम है, ये पर्थ नाम पार्थ का नाम है, ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान का नाम ब्रिजवीन, ब्रजवीन नाम उसका है। रसिया मतलब क्या, ऋषि मुनियों का जो स्थान था, है ऋषि मुनि कहते वहां पर श्री ऋषि मुनि वहीं पर रहते थे, जिनकी यज्ञ करके चरु निकला है। इसलिए पहले हमारी जो भारत पृथ्वी वो एक ही था, बाद में सब विभाजन हो गया, पृथ्वी पहले एक ही था पृथ्वी, इसलिए उसी समय वो चक्रवर्ती सम्राट थे पृथ्वी का। लेकिन उन्होंने 7 दिन तक सब कुछ काम को छोड़ करके भागवत कथा कैसे सुनी, बड़ा आश्चर्य लगता है। और श्री सुखदेव गोस्वामी वो साधारण संत नहीं थे, किसी एक जगह पर उतना समय टिकते थे जितना समय एक गो दोहन के लिए समय लगे, उससे ज्यादा समय कभी नहीं टिकते थे, हैं रक्त जोगी बेहतवाणी। और उन्होंने 16 साल तक बात ही नहीं की, मुंह उनकी बंद थी, लेकिन जब एक बार उन्होंने मुंह खोल दिया ना, भगवान की कथा में इतने मीठा जब उन्होंने मुंह खोले, वो 7 दिन तक वो मुंह ही नहीं बंद किया, वो कंटिन्यू 7। अभी जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना, पहले ऐसी कथा नहीं होती थी, कुछ दिन पहले तक कथा कैसे होती थी,
सवेरे 4 घंटा, शाम को 4 घंटा, किसी तरह से ये भागवत किसी तरह से पूरी होती है, किसी तरह से। अभी ये दो टाइम खत्म, उसमें भजन भी नहीं होता था, केवल कथा होती थी, किसी तरह से खत्म। अभी 3 घंटा है, फिर 3 घंटा में थोड़ा कीर्तन भी होता है, थोड़ी कथा भी होती है, हाँ कथा भी होती है, तब भी उसमें लोग बैठने के लिए लोग का दिक्कत होता है, तभी बैठने के लिए दिक्कत होती है, पहले ऐसे कथा नहीं होती थी। और जब सुखदेव गोस्वामी कथा किए ना, 7 दिन तक रात दिन कोई खाना नहीं पीना नहीं पैसा पैखाना नहीं करना, वो 7 दिन तक बैठ करके वो कंटिन्यू कथा सुनाते रहे, कंटिन्यू कथा सुनाए और सब बैठ करके कथा सुनाई। इसलिए 4 दिन के बाद में जब श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को कहते हैं, बोले 7 4 4 दिन ही हो गया, अभी तक तुमने एक बूंद पानी भी नहीं पिया, अरे एक बूंद पानी तो पी लो। बोले गुरु जी पानी के लिए तो जितना झगड़ा हुई है, मैंने पानी मांगने के लिए गया और ऋषि नहीं दिए, गले में मरा हुआ सर्प डाला, बच्चा ने अभिशाप दे दिया मेरे को। फिर पानी की बात क्यों कहते हो, आपकी कथा मृत जो पानी है उसी को पी कर मैं तृप्त हो रहा हूँ, हमें पानी की जरूरत नहीं, आपकी कथा रूपी अमृत की हमें जरूरत है। इसलिए सौनक आदि ऋषि लोग प्रश्न करते हैं, ये सब बात मेरे को कृपा करके बताओ। तब श्री सुत गोस्वामी इसको उत्तर देते हैं, बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीये युग पर जाए व्यास पराशर उत्पत्ति तासव्याम कलया हरे। कहते जो व्यास देव है ये भगवान की सत्यावेश अवतार है, भगवान के व्यास नारायण स्वयं है, भगवान के अवतार है। इन्होंने देखा है कलयुग आ रहा है, पहले ये सब ग्रंथ नहीं होता था, क्योंकि आप लोग बड़े बूढ़ों को पूछो, जब स्कूल पढ़ने जाते थे पहले जो टीचर होता था किसी पेड़ के नीचे बैठ करके बच्चों को पढ़ाया करता था, उनको रटाते 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 सब कुछ रट लेते थे, ये कंप्यूटर फंप्यूटर कुछ नहीं होता था, इतने उनकी स्मरण शक्ति होती थी। कहते इतने इनकी स्मरण शक्ति होती थी जितने वेद पुराण उपनिषद, प्रभु जी पुराज इधर आ जाए, इसलिए उन्होंने जितने वेद पुराण उपनिषद सबके सब रट लेते थे, इतनी इनकी स्मरण शक्ति, क्योंकि पहले जो खाना पीना होता था ना वो प्योर होता था, उसमें कोई मिलावट नहीं होती थी, हाइब्रिड से कोई चीज नहीं बनती थी, अभी तो सब चीज हाइब्रिड से इंजेक्शन देकर बड़ा कर देते हैं, इसलिए धीरे धीरे इतना बीमार क्यों हो रही है, कोई प्योर चीज मिल नहीं रहा है यहाँ। लिखा हुआ था शुद्ध घी, पता नहीं कौन सा चर्बी बर्बी तेल से बना हुआ होगा, नाम तो शुद्ध घी है लेकिन उसमें पता नहीं क्या क्या चीज है। कुछ दिन पहले अलीगढ़ में पकड़े गए थे, बोले घी बना रहे थे, पता है कैसे घी बन रही थी, केवल हड्डी गला करके सेंट दे करके, कोई घी का नाम गंध नहीं था, वो हड्डी को गला गला करके घी बना रहा था। इसलिए पहले हर चीज प्योर होती थी, खा करके लोग अंदर में शक्ति भी ताकत होता था, बुद्धि भी विकसित होता था। इसलिए व्यास देव जी ने देखा ये कलयुग आने वाले लोगों का बुद्धि धीरे धीरे ह्रास होते जाएगा, इसलिए उन्होंने एक वेद को उन्होंने 4 वेद रूप में प्रकाशित किया, फिर उन्होंने उपनिषद बनाए, उसको बाद में ब्रह्म सूत्र बनाए, उसको बाद में उन्होंने 17 पुराण बनाए, फिर देखा स्त्री सूत्रों को वेद में अधिकार नहीं, उन्होंने 5वां वेद श्री महाभारत बनाए जिसमें भगवत गीता है। लेकिन ये सब शास्त्र बनाने का बावजूद भी उनको शांति नहीं मिल रहा था, भगवत इच्छा से श्री नारद जी बिना बजाते बजाते आए, बोले व्यास लगता है तेरे मन में शांति नहीं, बोले गुरु जी आप सही नस पकड़ लिए, आप गुरु जी है ना, गुरु जी मतलब क्या, गु मतलब अंधकार, रू मतलब आलोक है, जो हमारे हृदय के अंधकार को हटाए और दिव्य आलोक प्रकाश करे, बोले गुरु जी आप सही बताए, आप बताओ मेरी अंदर में किस चीज की कमी है। तब श्री नारद जी कहते हैं, बोले यथा धर्म दयश्चार्था मुनि वर्ज्याय नो कीर्तित न तथा वासुदेवस्य महिमा जनुवर्णित। बोले तुमने जितने सारे ग्रंथ बनाए ना, अगर ये ग्रंथ को सचमुच से कोई पढ़ ले वो बड़ा भ्रमित हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा, किसको पूजा कर नहीं करे, क्योंकि शिव पुराण अगर पढ़ लिया तो उसमें लिखा हुआ सत्यम शिवम सुंदरम, शंकर जी से कोई बड़ी नहीं है। अगर देवी पुराण को पढ़ लो, बोले भैया देवी ही सब कुछ, इनसे ब्रह्मा विष्णु शंकर सृष्टि होते हैं,
अब गणेश जी की बोले इनकी पूजा तो सबसे पहले होनी चाहिए। अब जो पुराण जिसमें ब्रह्मा जी की महिमा बोले जगत को सृष्टि करने वाले हो, जिसमें ये चंद्र की सूर्य की महिमा बोले सारा दुनिया को जो तेज देने वाली वही है। अगर ये सारे ग्रंथ अगर कोई पढ़ लिया ना, इतने भ्रमित तो हो जाओगे, समझ नहीं पाओगे हमको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। लोग फिर झगड़ा करना शुरू कर देंगे, बोले ये देवता बड़ा, ये देवता बड़ा, ये देवता बड़े हैं, इसको पूजा करनी चाहिए। बोले तुमने जो किया है ना, लोगों को बड़ा भ्रमित कर दिया। लेकिन इसे व्यास देव जी नारद जी कहते, देखो जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो जीव ईश्वर का ही अंश है। ममई बांस जीव लोक जीव भूत सनातन। कृष्ण गीता में कहते अर्जुन, जगत में जितने जीव सब मेरे संतान है। इसलिए हम कहते हैं ना, तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा तुमेव। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, पिता अहम अस जगत दाता माता पितामह, विश्व ब्रह्मांड का पिता माता भाई बंधु मैं हूं। इसलिए भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाया, अर्जुन देख मैं कौन हूं, जिसको तुम ब्रह्मा कहते देखो ब्रह्मा मेरे में, जिसको तुम शंकर कहते देखो शंकर मेरे में, जिसको इंद्र चंद्र हनुमान कहते देखो अर्जुन ये सब के सब मेरे में, ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान है। इसलिए मेरे से कोई परतत्व नहीं है। इसलिए कृष्ण लास्ट में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़कर तुम मेरे शरण में आ जा। क्योंकि 33 करोड़ देवता, अगर दिन में अगर 1 करोड़ देवता पूजा करो ना, एक महीना में तो 30 हो गए, और 3 करोड़ कहाँ जाए। और एक को पूजा करो दूसरा मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे, तीसरे को खुश करो चौथा, फिर कितने को मनाओगे। हाँ, इसलिए कृष्ण ऐसे के देवता है। इसलिए भागवत में 2 उदाहरण दिया। पहला उदाहरण दिया जैसे पेड़ है, जैसे पेड़ का जड़ में जैसे पानी देने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। जब भगवान कृष्ण को भक्ति करते हैं उनके अंदर में 33 करोड़ देवता सब प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरा उदाहरण दिया जैसे खाना जब मुंह में देते हैं वो सारी इंद्रियां काम करती हैं, सारी इंद्रियां काम करती हैं। इसलिए कहते जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जो इष्ट है ना भगवान कृष्ण को इष्ट बना, लेकिन दूसरे दूसरे देवादेवी सबको सम्मान करो। शास्त्र कहता है किसी को असम्मान नहीं करनी चाहिए। जैसे शंकर जी ये कौन है, वैष्णवानाम तथा संभव, ये वैष्णव में अग्रगण्य है, इनकी कृपा से भक्ति मिलती है। माँ देवी कौन, वैष्णवी, ये वैष्णवी, इनकी कृपा से जोग माया रूप में इनसे भक्ति प्रार्थना करो। गणेश जी ये सबके सब भगवान की भक्त है, किसको अनादर नहीं करनी चाहिए, सबका सम्मान दो। लेकिन अपना हृदय में ना, मेरे तो गिरिधर गोपाला, मेरे तो गिरिधर गोपाला, हाँ हृदय में कृष्ण को बैठा। जैसे पति एक होते हैं, पति ज्यादा नहीं होते, पति एक होते हैं। लेकिन जब बेटी घर में शादी करके आती है ना, उसको जेठ है, देवर है, ननद है, लेकिन सबको सम्मान देती है। लेकिन हृदय में किसको बैठाती है, हृदय में किसको स्थान देती है, अपना पति को। इसलिए हृदय में कन्या को बैठो और सबका सम्मान दो, सबसे भक्ति प्रार्थना करो, किसको अनादर नहीं करो, लेकिन हृदय में भगवान को बोल बैठाओ, वहां पर और किसको हमें स्थान नहीं देनी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए श्री नारद जी बोले देखो अभी तुम दिल खोल करके भागवत ग्रंथ वर्णना करो, जिसमें भगवान की शुद्ध कथा सुनाओ, भगवान की प्यारी प्यारी कथा सुनाओ, जिसमें भगवान की रास वर्णना करो। कृष्ण कैसे भक्तों का प्रेम में वशीभूत हो गए, कृष्ण कैसे भगवान होकर के मैया के प्रेम में बंध गए, कृष्ण भगवान होकर के सखाओं की झुटन कैसे खाते हैं, विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। अगर कभी कृष्ण मक्खन चोरी की ना, मैया पूछे लाला तेने मक्खन चोरी की, कृष्ण डर जाते हैं, बोले मैया मोरी मैंने ही मक्खन खायो, कृष्ण डरते हुए बोलते हैं। इसलिए भगवान की सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी भगवान की शुद्ध भक्त और उनकी शुद्ध भगवान की कथा सुनाओ, जिसमें तुम्हें शांति मिलेगी। तब नारद जी अपना अपना कथा सुनाए, संत कैसे हमारे गांव में आए, संतों की कृपा से आज मैं इतने बड़े भक्त बना, अपना चरित्र सुनाए। अगर शांति पाना चाहते हो भागवत कथा वर्णना करो,
नारद जी उपदेश दे करके चले गए। श्री व्यास देव जी बोले भक्ति जोगे न सम्यक प्रणीत मले अपस्यम पुरुषम पूर्णम माया चत्तत अपाश्रयत। तब श्री व्यास देव जी भक्ति योग समाधि को द्वारा समाधिस्त हुए उन्हें संपूर्ण गोलोक वृंदावन दर्शन किया। दर्शन करते हुए फिर क्या देखा, भगवान को पीछे माया खड़ी हुई दिखी और जीव कैसे भगवान से विमुख हो रहे हैं और माया कैसे उनको दो शरीर दे करके ये आवरण आत्मिक और विक्षेप आत्मिक मन बुद्धि अहंकार चित्त और ये पंच रचित ये अधम शरीर इसको कैसे दे करके जीव को ये संसार में कैसे जीव आ करके ये माया में कैसे भटक रहे हैं जीव को। व्यास देव जी ने सब कुछ उन्होंने दर्शन की। दर्शन करते हुए उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ को उन्होंने रचना की। भागवत ग्रंथ बोले ग्रंथ तो बड़े सुंदर हो गया लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाए किसको, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी वो जन्म से ही वो ब्रह्म ज्ञानी होकर चले गए थे। इनकी चार चेले थे, उन्होंने बोले देखो मेरा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, वो तोते को वापस ला सकते हो? बोले गुरुजी जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमको कैसे पता कौन आपका तोता कौन? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, मैं कुछ मंत्र सिखाता हूँ, ये मंत्र को सुन करके जो अपने आप पकड़ में आ जाए समझना मेरा वही तोता है। उन्होंने चार चेले को उन्होंने चार मंत्र सिखा दिया। पहला चेले को जो मंत्र सिखाया, कृष्ण कितने सुंदर है, कृष्ण कितने सुंदर, इसलिए जिस सुंदरता को राधा रानी स्वयं ये वेणु गीत में राधा रानी स्वयं कहती है, बोले बराह पिरम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वास कनक कपिशयम वैजयंती च मालां रंध्राण वेणुरधर सुदया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्तत गीत कीर्ति। उनने पहला चेले को पहला श्लोक सुना दिया। देखो इसमें चार चेलों में चार श्लोक सुनाए, इसमें बहुत अच्छी बात बताए, बोले हम कृष्ण को ही भक्ति क्यों करें, ये चीज को समझा रहे हैं। जगत में तो बहुत सारी देवा देवी है लेकिन कृष्ण भक्ति हम क्यों करें, ये श्लोक में यही चीज समझाएगा। पहला उदाहरण दिया, जैसे आप किसी बेटी को किसी बेटा को साथ में शादी देना चाहते हो लेकिन सबसे पहले आप क्या देखोगे, वो बेटा देखने में कैसे, भले कोई चीज मत देखो उसको पर्सनालिटी देखोगे, भैया बड़ा सुंदर बेटा, बड़ा पर्सनालिटी, बड़ा सुंदर है। इसलिए उन्होंने पहले चेले को बताए ये कृष्ण कितने सुंदर है, कितने सुंदर कृष्ण है, कृष्ण इतने सुंदर, इतने कृष्ण सुंदर, कहते कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम, इतने सुंदर कृष्ण लक्ष्मी भी जब कृष्ण की सुंदरता को सुनती है। आप लोग वृंदावन गए हो, कौन कौन वृंदावन गए, वहां पर एक बैल बने जमुना का उस पार में एक बैल बने, आप लोग कोई गए हो, कौन गए बैल बन तो बैल बन गए हो। अब देखना माँ लक्ष्मी बैठ करके कठोर तपस्या कर रहे हैं, बोले क्यों, बोले कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण इतने सुंदर है, नारायण कम सुंदर नहीं लेकिन लक्ष्मी जब कृष्ण की सुंदरता को सुनते हैं वो बिहार कामान और वैकुंठ त्याग दे देती है। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, हम भागवत में आगे सुनेंगे, नारायण स्वयं द्वारका का बच्चों का ब्राह्मण का बच्चों को चोरी करते थे। जब अर्जुन को साथ में कृष्ण गए वैकुंठपुरी गए, ठाकुर स्वयं कहते कृष्ण तुम इतने सुंदर हो, तेरे को देखने के लिए मैं स्वयं ये बच्चों को चोरी किया, लो ये बच्चे को लेकर ले जाओ, इतने सुंदर। बोले नारायण की बात छोड़ दो, कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण जब अपना परछाई को अपना किसी मणि स्तंभ के ऊपर में अपना परछाई को देखते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं बोले कृष्ण स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, बोले अपर कलित पूर्वम कश्च मात करकारी, कौन है, अपना परछाई देखकर कृष्ण सोचते हैं कब मैं राधा बन करके ये रूप को कब आलिंगन करूं, इतने सुंदर से कृष्ण है। इसलिए ये श्लोक में राधा रानी स्वयं कहती है कृष्ण कितने सुंदर कितने प्यारे हैं। दूसरे जो चले गए, पहले सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञानी थे,
वो पहले ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन जब कृष्ण की सुंदरता को सुने सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म ज्ञान को त्याग लेकर बाहर निकल करके आए। बोले भैया ये श्लोक तुमको कहाँ से मिला? बोले हमारी गुरुजी बोले हमारा एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया और ये श्लोक सुन करके जो पकड़ में आएगा वो मेरे तोता। बोले भाई वही तोता, वही श्री सुखदेव गोस्वामी है, वो तो बड़े सुंदर है देखने में। बोले हाँ। बोले पहले देखोगे बेटा कैसे सुंदर, उसको बाद में क्या देखोगे? वो बेटा कोई कमाता नहीं है, बेटी को देखे ना कोई कमाता धमाता के ही नहीं, कोई नौकरी चाकरी करता कि पैसा है कि नहीं, उसको बाद में देखोगे, पहले देखोगे कैसे सुंदर है। इसलिए उन्होंने पूछे भैया वो रहते कहाँ पर, उसका गाँव कहाँ है, वो करते हैं क्या, उसके पास में कोई पैसा है कि नहीं। दूसरा चेला ने दूसरा श्लोक सुना दिए। बोले जयती तिथिकाम जन्मना प्रजा प्रयत जैसे तुम्हारी बेटी रहेगी, खाने पीने का उसके पास में किसी चीज की कमी नहीं, बेटा देखने में सुंदर पैसा भी बहुत है। तीसरा प्रश्न, तीसरा चेला प्रश्न करता है उसका परिवार कैसे है, उसका पिता माता कैसे हैं, उनका भाई और उनकी बहन ही कैसे है। फिर तीसरा चेला ने तीसरा श्लोक कहते हैं, बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। बोले उनको पिताजी का नाम नंद, नंद मतलब सबको जो आनंद देने वाले हैं, और मैया का नाम जसोदा मतलब सबको जो जस देती है, और भैया का नाम ताऊ भैया बलराम, बड़े ताऊ दयाल कहते ना, ताऊ दयाल जो जेठ है ना वो बड़ा बड़े भाई बड़े दयालु हुए। इसलिए उनकी जो बहन ही सुभद्रा और बड़ी दयालु है, परिवार बड़े सुंदर परिवार है, वाह बड़ा सुंदर परिवार। हाँ, जो चौथा प्रश्न है, बेटा देखने में सुंदर पैसा भरा भरपूर परिवार ही बढ़िया, लेकिन जो चौथा चीज सबसे महत्वपूर्ण है उसका नेचर कैसे है। ऐसे नहीं दिन भर पी पा कर तो बड़ा था नहीं रहता है, और बात बात पर क्रोध से मारता तो नहीं, क्रोध तो नहीं है, उसका नेचर कैसे है। फिर चौथा चला उसका नेचर कहते हैं, बोले आहो बकियम स्तन काल कूटम। बोले उसकी नेचर की बात कह रहे हो, वो इतने दयालु है ना कृष्ण, इसलिए कहते ना हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते, वो बड़े दयालु है। पुतना उनको मारने के लिए गई थी जहर लेकर के, हाँ और जहर लेकर गई थी भगवान के लिए राक्षसी पुतना सारे अपगुण, लेकिन हमारे जो कृष्ण है ना, बोले गुणा अवगुण प्रभु देखो ना, ठाकुर कभी अवगुण का प्रति नजर नहीं देते हैं। वो थोड़ी जो माँ की रूप धारण करके आए थी ठाकुर जी इतने नहीं रीज गए और उसको गोलोक वृंदावन दे दिया, गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया, वो बड़े दयालु। जब सुखदेव गोस्वामी इतना सुने बोले ऐसे से कृष्ण है, फिर तो उन्होंने हाथ उठा करके
कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे बांके बिहारी में छोड़ करके और हम किसकी शरण में जाएंगे। मैंने आए और श्री व्यास देव जी पूरी भागवत उनको, पूरी भागवत कथा उनको श्रवण कराया। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। बोले श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। जय श्री राम। बोले ये ग्रंथ का ये वक्ता है परम ब्रह्म ज्ञानी। बोले भैया ग्रंथ का श्रोता कौन है? बोले भैया श्रोता भी साधारण नहीं, ये परखीत है। जो मातृगर्भ में हम तो कहीं भक्ति करके भजन करके प्रभु दर्शन करते हैं, लेकिन जो मातृ गर्भ में रहते समय जब अस्वस्थ माने देखा पांडवों को निर्वंश कर दूंगा, उन्होंने देखा उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा है, अगर ये मर गया ना वंश खत्म। उन्होंने उत्तरा के गर्भ में उन्होंने बाण मारे, इतने में उत्तरा ने कृष्ण शरण में आ गई। बोले प्रभु मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन पांडवों का जो धर और जो अंतिम संतान अगर मर गया पांडव निर्वंश हो जाएंगे। तो भगवान कृष्ण उत्तरा गर्भ में प्रवेश करते हुए और चक्र गदा घुमा घुमा करके ठाकुर जी उसकी प्राण को बचाए। इसलिए वो जन्म होते ही गर्भ में उन्होंने भगवत दर्शन किया था, इसलिए जन्म होते ही सबको परीक्षा कर रहे थे। बोले जिनको मैंने गर्भ में दर्शन किया प्रभु कहाँ है, इसलिए सबको परीक्षा कर रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया श्री परीक्षित नाम पड़ गया। बोले श्री परीक्षित महाराज की जय। अभी कृष्णा जब जब तैयारी होते हैं जाने के लिए कहाँ द्वारका, पांडवों ने कुछ ना कुछ उनको निमित्त बना देते, कुछ ना कुछ बहाना बना देते, कृष्ण को घर से निकल नहीं देते। बोले प्रभु और कुछ दिन रुक जा, और कुछ दिन सेवा ग्रहण करो, विपत्ति में तो जंगल जंगल में घूमे, अभी संपत्ति आया अभी छोड़ करके जा रहे हो, कुछ दिन और टिक जाओ और हमारी सेवा को ग्रहण करो। एक दिन मैया कुंती ने आकर के भगवान को स्तुति कर रही है। बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जब भगवान को स्तुति कर रही थी, देखो ये स्तुति में बहुत अच्छी बात उन्होंने बताया। बोले जगत में सर्वश्रेष्ठ उपास्य कौन है? बोले भगवान कृष्ण है। जो कृष्ण भक्ति करते हो सर्वश्रेष्ठ, बोले उनसे बड़े कौन? बोले वसुदेव महाराज। बोले क्यों? बोले जगतपति जगन्नाथ पिता किसको उन्होंने बनाया? वो जगतपति जगन्नाथ है, लेकिन पिता उन्होंने अपना पिता किसको बनाया? बोले वसुदेव को। दुनिया के पिता है लेकिन पिता बनाया वसुदेव को। बोले उनसे बड़े हैं वसुदेव। बोले वसुदेव से बड़े कौन? बोले देवकी नंदनाय च। बोले उनसे बड़े कहाँ देवकी? बोले क्यों? विश्व ब्रह्मांड उसके गर्भ में, लेकिन भगवान किसकी गर्भ में आए? बोले देवकी गर्भ में। मतलब है पिताजी का जितने सौभाग्य है उससे माताओं का सौभाग्य ज्यादा है, क्योंकि बच्चे को गर्भ में धारण करती है माताएं, प्रसव करती हैं, गोद में बैठाती हैं, ठुमुक ठुमुक करके चलाना सिखाती है। कौन कराती है? माँ करती है। उसको टाटी पेशाब कौन साफ करती है? माँ करती है। बेटा अगर पिताजी गोद में है, बेटा अगर वो टाटी पेशाब कर दिया पिताजी गोद में रखेंगे कहाँ भेजेंगे? माँ के पास में। बोले माँ के पास में हैं। माँ जब साफ सुथरा करती तो पिता गोद में रहती है। इसलिए बोले पिताजी की ज्यादा सौभाग्य माँ की। बोले उनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन? बोले श्री नंद और जसोदा। क्यों? कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए हैं लेकिन पलने में झुलाया किसने उनको? और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया, जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की। उनको पलने में किसने झुलाया? भैया जसोदा नंद। गोद में दूध किसने पिलाया? नंद जसोदा है। इसलिए उनसे श्रेष्ठ है वो श्री ब्रजवासी नंद जसोदा। बोले भैया उनसे श्रेष्ठ कौन है? बोले उनसे श्रेष्ठ है ये ब्रज गोपियां। बोले क्यों? भगवान रास किसको साथ में किए? ये गोपियों को साथ में प्रभु रास किए। केवल रासलीला में ही कृष्ण अपना वशीभूतता केवल रास में स्वीकार करते हैं। बोले हे गोपियां, ब्रह्मा जैसे परमाई पा करके तुम्हारी ऋणी से कोई ऋणी नहीं बन सकता। बोले क्यों? बोले मेरे लिए तुम लोगों ने सब कुछ त्याग दिया, भाई बंधु पुत्र परिवार को तुमने ठोकर मारे, केवल मेरे लिए किए हो, इसलिए सर्वश्रेष्ठ तुम हो।
लेकिन गोपियों से श्रेष्ठ कौन है? बोले ये गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, वो कौन है बोलो? ये गोपियां भी जिनकी सेवा करती, किसकी? बोले श्री राधा रानी की। इसलिए यहाँ पर माँ कुंती कहती, बोले प्रभु राधा रानी जगत में तुम्हारी जितने भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्री राधा रानी, क्योंकि गोपियां भी जिनकी चरण की सेवा करती हैं, इसलिए उनका नाम राधा। राधा मतलब क्या है? बोले आराधयती राधा, जो कृष्ण को पूर्ण रूप में जो आराधना सेवा करने वाली कौन है? श्री राधा रानी। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। इसलिए जिस समय श्री माता कुंती स्तुति कर रही थी, इतने में कृष्ण बोले बुआ जी आज तो तुम उल्टा गिरवा रहे हो, कहां तुम हाँ बुआ मैं भाती जा रहा हूं और आज मेरी स्तुति कर रहे हो, कहा मुझे तुम्हारी स्तुति करनी चाहिए। कुंती बोली प्रभु यही तो तुम्हारी माया है, कहां विश्व ब्रह्मांड का तुम मालिक हो, उसको बुआ किसको पिता किसको माता तुमने बना करके और माया में भटका रहे हो, यही तुम्हारी माया कृष्ण, तेरी माया को समझना बड़ा कठिन है। बोले ठीक है, आज तुम्हारी मन में जो कुछ इच्छा मेरे से बरमा दो। देखो कुंती क्या प्रार्थना करती है, बोले विपति संत में साक्षात तत्र तत्र जगत गुरु। बोले प्रभु मेरी झोली में विपति भर दो, लेकिन हम जब ठाकुर को पूजा करते हैं, बोले सुख संपत्ति खरे आवे कष्ट मिटे तन की जय जगदीश हरे, हम बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पर मैया कुंती कहती है प्रभु मेरी झोली में दुख भर दो। बोले बुआ जी सब दुनिया मेरे पास में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, फिर तो दुख क्यों चाहते हो? देखो कुंती क्या कहती है, बोले प्रभु बोले दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख कहा क्या है? कहते सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलि हरि वो दुख को जो पल पल नाम जपाए। देखो आपसे एक प्रश्न करता हूँ, प्रश्न का उत्तर देना। आप लोग ये बताओ, हम ज्यादा सुख में भगवान भी याद करते ना ज्यादा दुख में ठाकुर भी याद करते? बोलो, दुख में याद करते हो ना सुख में याद करते हो? दुख में याद करते हैं। इसलिए यहाँ पर कुंती कहती है, बोले प्रभु जिसको पास में ये चार चीज रहेगा ना, ये कभी तेरे भजन नहीं करेगा। बोले क्या है? बोले जन्म, जिसको बड़े हाई भाई घर में जन्म हो जाए, बोले प्रभु बड़ा अभिमान हो जाता है। ऐश्वर्य, जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए, बोले प्रभु वो तेरा भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, अभिमान आएगा, अरे हमारे पास में किस चीज की कमी है, हाँ हमारे पास में किस चीज की कमी है, हम भगवान की भजन करेंगे हैं। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को बोलो भैया कथा सुनने के लिए आओ, बोले बिजी हूँ। क्या है? बिजी हूँ। बोले भैया किस चीज में तुम बिजी हो? पैसा कमाने में बिजी है ना, जो तुमको बिजी रख सकता है वो तुम्हें फ्री भी रख सकता है, लेकिन भगवान के लिए करके देखो तो, भगवान के लिए करके देखो तो, भगवान के लिए उनके लिए एक कदम बढ़ाओ वो हमारे लिए 10 कदम बढ़ाएंगे। इसलिए पैसा किसने दिया तुम्हें? ठाकुर ने दिया ना, लक्ष्मी किसकी है? ठाकुर को लक्ष्मी है ना, जब ठाकुर को लक्ष्मी है, क्या ठाकुर तुम्हें इतने लक्ष्मी दे दिए, लक्ष्मी इतने आ गई तो भगवान की कथा के लिए भजन के लिए तुम्हारे पास में समय नहीं, ऐसे कभी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कुंती कहती है, बोले प्रभु जिसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए वो तेरा भजन नहीं करेगा, अभिमानी हो जाते हैं, किस चीज की कमी है? श्रुत, श्रुत मतलब होता है पांडित विद्वान, अगर ज्यादा कोई डिग्री मिल जाए ना, एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, ज्यादा कोई डिग्री मिल जाए, बोले प्रभु बड़ा अभिमानी हो जाते हैं, तेरा भजन नहीं करेगा। और चौथा चीज श्री, श्री मतलब होता है सुंदरता, थोड़ी अगर अच्छे बन जाए ना शरीर, चमड़ी थोड़ी अच्छी हो जाए हैं, वो तेरा भजन नहीं करेगा, अभिमानी है। इसलिए नमो अकिंचन विताय निप्रीत गुण विताये, तेरी जो भक्ति करने वाले हैं ना दीनहीन सरल व्यक्ति तेरे भजन करते हैं। इसलिए देखो और एक चीज समझो, यहाँ पर मैया कुंती भगवान से विपत्ति मांगती है, ये चीज को अच्छा तरह समझ लो, इसका क्या मतलब है? हमारी घर में विपत्ति विपत्ति आए, किसका प्रश्न होगा ना, मैया कुंती बोले प्रभु मेरे झोली में विपत्ति भर दो, इसका मतलब जो भजन करेगा उसको घर में विपत्ति आए,
इसका मतलब क्या? नहीं, ये चीज नहीं। देखो मैंने एक उदाहरण देकर समझा, जैसे आपका पड़ोसी को साथ में आपकी लड़ाई झगड़ा है, पड़ोसी को साथ में तुम्हारी लड़ाई झगड़ा है, इतने में तुम अपना बेटे को बोले, देख बेटा भले ही तू जहर खा करके मरना तो मर जाना, लेकिन पड़ोसी घर में नहीं आना, लड़ाई है। इसका क्या मतलब? बेटे को तू जहर खाकर मर जा? नहीं, मतलब है दूसरे के उसके घर में नहीं जाना। इसका मतलब कहते हैं यहाँ पर कुंती जो विपत्ति चाहती है, इसका मतलब नहीं मेरे घर में विपत्ति आए, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है, हे ठाकुर जी, जिसी देश में परिवेश में रहे, राधा रमन कहो। ठाकुर तू मेरे को जिस अवस्था में रखना रख ले, लेकिन जैसे कभी मैं तेरे याद नहीं कर बोलू, तेरी जैसे कभी भूलू नहीं तेरे को, हर समय तेरे में स्मरण करते रहो। मतलब ये नहीं भक्तों घर में विपत्ति, इसका मतलब नहीं। अभी पितामह भीष्म जी सर सज्जा में लेटे हुए, ठाकुर उनको पर में भी कृपा की, अंतिम समय में उन्होंने भगवत स्मरण करते करते, उन्होंने ठाकुर को दर्शन करते करते, उन्होंने भगवत धाम को गमन किया। देवता लोग देख देख कर आश्चर्य हो गए, बोले क्यों? बोले जनमा मोनी जाता ना कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत ना। ठाकुर सामने खड़े, ठाकुर का नाम लेते लेते अंतिम त्याग, सारे देवता प्रसन्न हो गए। बोले पितामह भीष्म की जयकार नहीं दे रहे, बोले पितामह भीष्म की जय, जय श्री राम। हाँ देखो, कल कथा की चौथा दिन है, कल भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले, इसलिए जब मैया जसोमती गर्भधारण की, जितने ब्रजवासी थी ना, जितने गोपियां, छह महीने पहले 84 गज के लहंगा बना करके रखे और बड़ी सुंदर चुंदरी बना करके रखे, जब नंद के लाला होएगा हम उसको पहन करके ठाकुर को बधाई देने मिल जाए। इसलिए कल जितने माता अभी 84 गज के लहंगा बना के रखे, और कौन सा रंग के? बोले पीले रंग के। कौन सा रंग के? पीला रंग की, और कोई रंग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो किसी से उधार लेना, लेकिन पहनना कोशिश करना हो सके तो पीला रंग की। हाँ, जैसे कपड़े पहन करके सज धज करके अच्छे तरह से कपड़े पहन करके सज धज करके आना, क्योंकि कल ठाकुर जी का जन्मतिथि होगा, और 33 करोड़ देवता भी भगवान की जन्म में 33 करोड़ देवता भी आते हैं, इसलिए सब सज धज करके आना। कल बड़े जोर तोड़ से नंद के आनंद भयो जय कन्हैया बनाएंगे, और जितने पुरुष लोग हैं कोशिश करना, आप लोग कोशिश करना, अगर धोती कुर्ता अगर पहन करके आ सकते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। अभी मत जाओ, और 5-7 मिनट में कथा को विश्राम देंगे। हाँ देखो, हरे कृष्ण। देखो अभी कृष्ण को अर्जुन लेकर के द्वारका में गए, लेकिन 7 महीना हो गया अभी नहीं आ रहे हैं। और जो एक दिन युधिष्ठिर महाराज बड़े अपशकुन को देखा, तो अर्जुन को वापस आते हुए देखा, और अर्जुन का पूरा चेहरा लटका हुआ था। बोले क्या हो गया अर्जुन? बोले भगवान कृष्ण संसार छोड़ करके चले गए, ठाकुर जी ये संसार छोड़ करके चले गए,
इतना सुनते ही माता कुंती ने शरीर को त्याग दी, पांडव लोग भी संसार को त्याग दिया। त्याग देने से पहले श्री युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने हस्तिनापुर का राज गति में बैठा दिया और बज्रनाभ को वृंदावन का राजा बना दिया। एक दिन परीक्षित महाराज बड़े अपशकुन देख रहे थे, अपना चतुरंगिनी सन्नी को लेकर के गए, एक अद्भुत घटना देखा। देखा एक गैया बड़ी दुखी होकर के रो रही थी और एक बैल का तीन पैर नहीं एक पैर खड़ा हुआ। पूछे भैया ये गैया कौन है? बोले ये पृथ्वी है, कृष्ण चले गए, अभी ये कलयुग आएगा, लोग पाप कर्म करेंगे, ये पाप को मैं कैसे सहन करूं, इसलिए मैं रो रही हूँ। बोले ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, इनकी धर्म का चार चरण है, तीन चरण तो खत्म हो गया, धर्म कलयुग में वो एक चरण में खड़ा हुआ और वो एक चरण को तोड़ने के लिए, बोले ये व्यक्ति कौन है जो एक प्यार को मार मार करके तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा है? बोले ये कलयुग है। परीक्षित महाराज ने कहा देखो जब तक मेरी राजत्व है तब तक तुम्हारी कोई प्रवेश नहीं, यहां से निकल जाओ यहां से। बोले प्रभु सत्य त्रेतया द्वापर, ये भी तो अपना अपना राजत्व किए, अभी कलयुग आ गया, अभी मेरी राजत्व है, कृपा करके हमें स्थान दे दो। तब श्री परीक्षित महाराज ने देखा कलयुग में तो दोष ही दोष है, लेकिन कलयुग में केवल एक गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तम व्रज प्रति। अगर कलयुग में थोड़ी सी अगर भगवान के कोई नाम को जप कर लेना भवबंधन से वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए कलयुग में एक गुण देख करके उन्होंने श्री कलयुग को स्थान दे दिया। अभी आप लोग थोड़ा ध्यान देकर सुनो, अभी ये कली आ रहा है, ये कली कहाँ कहाँ पर, कली का निवास है, उन्होंने कली को चार जगह पर स्थान दे दिया। अगर कलयुग में केवल चार नियमों का पालन कर लो और एक बार भगवान के नाम ले लो, ठाकुर जी की थोड़ी सी नाम कर दो, इससे ही हमारी उद्धार हो जाएगा। लेकिन अभी ध्यान देकर सुनो, कलयुग में कली कहाँ पर है, कौन सा चार नियम का हम पालन करनी चाहिए? बोले पहला नंबर जुआ नहीं खेलनी चाहिए, धर्म का पहला चरण सत्य है, जो जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया देखो मैं स्वयं धर्म स्वरूप हूँ, लेकिन ये जुआ खेल कर मेरे कितने सत्यानाश हुए। राज्य गया, भाई गए, भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र हरण देखना पड़ा, 12 साल तक जंगल में भटके और 1 साल तक विराट के राज्य में हमने दासत्व काम किया, खबरदार कभी जुआ में हाथ मत लगा, जुआ खेलोगे तो इतनी सर्वनाश तुम्हारी होगी। दूसरा नंबर है पानम, पानम का मतलब होता है किसी तरह का नशीली वस्तु मत लिया करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीज को हमें नहीं लेनी चाहिए, इसमें कल की निवास है। देखो संत लोगों का कहना है जो शराब पीते हैं ना उनका 3 लाभ है, कितना लाभ है बोलो, क्या क्या? जो शराब पीते हैं इनका 3 लाभ है, पहला लाभ है वो व्यक्ति बूढ़ा कभी नहीं होगा, दूसरा लाभ उसको घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा लाभ कुत्ते उनकी दोस्त बनेंगे। बोले मतलब क्या है? बोले पहला लाभ क्या? बोले बूढ़ा नहीं होगा। बोले भैया बूढ़ा कब होगा, जिंदा रहे तब तो बूढ़ा होगा, वो तो पी पा करके मरने से पहले मर जाएगा। इसलिए मैं रसिया जाता हूँ प्रचार करने के लिए, वहाँ देखता हूँ ज्यादा लड़कियां हैं सब कुछ, और बूढ़ा तो बहुत कम। मैंने पूछा भैया सब बूढ़े गए कहाँ और इतने कम उम्र के सब इतने लड़कियां क्यों हैं? बोले यहाँ पर ज्यादा शराब पीते हैं और पी पी करके जो आंख सबके सब खत्म, कुछ दिन बाद में लीवर फीवर खत्म और उम्र जल्दी मर जाती, इसलिए यहाँ पर इतने बूढ़े नहीं और नंबू सतह तो ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए लड़की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। इसलिए पहला लाभ क्या? बूढ़ा नहीं होगा। दूसरा लाभ घर में चोरी नहीं होगी। बोले चोरी कब होगा? घर में कुछ हो तब तो चोरी होगी, वो तो पहले सब बेचबाज करके पी पा कर खत्म करते हैं, बस चोरी कहाँ से होगी। तीसरा लाभ क्या? कहीं पी पा करके रोड में पड़ा रहेगा और कुत्ता आकर के मुंह धोकर चले जाएगा। इसलिए इस शराब हमें ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इसलिए जितने नस्ली वस्तु से हमें दूर रहनी चाहिए। कभी ये चाय भी गंदी चीज है, चाय भी अच्छी चीज नहीं है, इसमें निकोटीन उसमें कैफीन डालते हैं, ये अंग्रेजी लोग हमें
गुलाम बनाने के लिए जो बड़े बड़ों को पूछ लो वो खुद बना करके चाय पिया है। बोले एक रुपया मिलेगा जो एक कप चाय पिएगा, अभी तो मूर्ख बेकूफ बन गया। बोले एक रुपया, उसमें एक रुपया की कीमत था। बोले दो चाय। कुछ दिन बाद में बोले 50 पैसा मिले, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले 25 पैसा, बोले कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद में बोले कोई पैसा नहीं मिलेगा, केवल चाय मिलेगा। क्यों? पी पी करके उसमें कैफीन और निकोटीन डाला हुआ है, वो नशा है। आप देखना जो चाय पीते हो, पीने का समय आ जाए मत पियो, सर दुखना शुरू हो जाते हैं। हमारा तो आदत बन गया। बोले 25 पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। बोले 50 पैसा, बोले लो। बोले एक रुपया, बोले लो। बोले दो रुपया, बोले लो। बोले 5 रुपया, बोले लो। अभी कितना हो गया? 10 हो गया। इतनी सी चाय और उनका बिजनेस हमने चला दिया। हमने ऐसे बेकूफ बने, इतनी सी चाय पिला करके अंग्रेजियों ने अपना बिजनेस हमसे करा लिया। अरे 10 रुपया का एक गिलास दूध मिलेगा, उसको पियो ना, जो हेल्थ के लिए अच्छे हैं। ये चाय क्यों पी रहे हो? इसलिए कोशिश करना, हर्बल टी, गोकुल टी अच्छी जो चीज़ है, जो हेल्थ के लिए अच्छे, वो चीज़ को पियो जो हेल्थ के लिए अच्छा होगा। लेकिन हम क्या कहते हैं, सवेरे एक कप चाय पी लो, दोपहर तो कोई चिंता नहीं। इतने चाय से कभी पेट भरती है? उसमें कैफीन निकोटीन है, वो पेट में गया ना, तुम्हारी जो भूख को खत्म कर दी, वो भूख खत्म कर दिया, इसलिए उसको नहीं। लेकर के क्या करो, दूध पियो, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, जो हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए तीसरा नंबर है, बोले स्त्रियम। स्त्रियम का मतलब है संसार करो, विवाह करके पति पत्नी धर्म पूर्वक संसार करनी चाहिए, अवैध पूर्वक। लड़का लड़की, लड़का लड़की लड़कों से नहीं मिलनी चाहिए, इसमें पवित्रता नष्ट हो जाती है। और चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब ग्रहण नहीं करनी चाहिए। अगर ये चार नियम का पालन कर लिया, थोड़ी सी भगवान का नाम जप करो, इसी से ही हमारी कल्याण हो जाएगा, इसी से ही हमारी उद्धार हो जाएगी। इसलिए भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे, भगवान के नाम जप करो, ठाकुर जी की नाम जप करनी चाहिए। देखो माला नहीं छपती ना, माला छपना, हाँ देखो। और 5 मिनट दो, हम एक माला जप करेंगे, ठीक है? एक माला जप करेंगे, कीर्तन होगा, प्रसाद लेकर जाना। देखो मेरे तरफ में देखो, एक चीज को समझो। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया, ध्यान देकर समझो। बोले प्रभु आज हमारे घर में आपका प्रसाद है। महाप्रभु बोले देखो, सबको घर में मैं खाना नहीं खाता। बोले किसको घर में खाते हो? बोले जो लखपति बनेगा। और आज से 500 साल पहले, लखपति मतलब जिसको घर में 1 लाख रुपया हुआ, और उस समय 1 लाख रुपया साधारण बात नहीं, 1 रुपया एक सोने की मोहर है। मतलब जिसको घर में 1 लाख स्वर्ण मोहर होगा, उसको घर में मैं खाना खाऊंगा। भक्त लोग तो दुखी हो गए। बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक भी नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर होगा, फिर क्या हमारे घर में आप भोजन ही नहीं करोगे? देखो चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा देते हैं। महाप्रभु बैठा करके समझाए, बोले जानते हो असली लखपति कौन है? माला खोल दिए। बोले असली लखपति कौन है? बोले रोजाना जो 1 लाख ठाकुर का नाम जप करते हैं, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, जो 1 लाख ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वही असली लखपति है। हाँ, इसलिए वीरा कहती है ना, जिन जिन ने यह मोती लूटे वो सब माला माल हो गए, और माया के जो पहले पुजारी आखिरी हो कंगाल हो गए। इसलिए आप मेरे तरफ से देखो, पहले कुछ दिन पहले टीवी में आता था, अमिताभ बच्चन का नाम सुने होंगे, सुने कि नहीं? वो बोलता था करोड़पति कौन बनेगा, बोलता था ना, कौन करोड़पति बनेगा बोलता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते भैया लखपति कौन बनेगा, महाप्रभु कहते लखपति कौन बनेगा है। और ये ऐसे के धन है जो धन कभी कम नहीं होती है, जो धन बढ़ती रहती है। अब मेरे तरफ में देखो, कैसे आप लखपति बनोगे? जैसे इसमें 108 मोती है, ये मोती में जो ये जो अंगुल को हम इसमें स्पर्श नहीं कराते, क्यों? ये गंदा अंगुल, ये सबसे पहले निकलता है, कहते ना हम तुमको देख लेंगे, हम तुमको देख लेंगे, इसलिए हम ये अंगुल को बाहर निकाल कर रखते हैं। और ये बीच वाला अंगुल को ऊपर में ये माला रख करके, जैसे हरे कृष्ण, अब बोलो मेरे साथ में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें एक मोती सरकाते, दो बार बोले फिर दो मोती सरकाते। देखो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 16 बार बोल दिया। एक बार बोलने पर 16 नाम है,
इसमें 108 होती है, करते करते जब यहाँ समाप्त हो जाए इसको पार नहीं करते हैं, फिर ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके दूसरे तरफ से करते हैं। अगर ऐसे 16 माला अगर किसी ने कर लिया वो हिसाब से 25,000, अगर किसी ने 64 माला कर लिया तो 1,00,000। भगवान स्वयं कहते हैं तुमने 1,00,000 माला नहीं की, बैंक में तुम्हारे नाम पर 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो गई। ये भगवान खुद कहते हैं, बोले ब्याज कितने मिलेगी, मीरा कहती है दिन दिन बड़ा तसवाय, दिन प्रतिदिन आज अगर 1,00,000 नाम किया ना कल तुम्हें 1,25,000 मिलेगी और 4 दिन में 2,00,000, 4 दिन में 2,00,000 हो जाएगी। लेकिन ये दुनिया की पैसा जितने कमाते कमाते चले जाओ आंख बंद होते ही यहीं पर सारे पैसे चले जाएंगे, कोई भी साथ में जाने वाले नहीं। लेकिन ये ऐसे का धन है, बोले चोर नहीं लवे लुटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाए, जो कल बढ़ती रहती है। ठीक है, अभी जितना दिन कोशिश करेंगे एक दिन माला जप करने के लिए, और ये माला लेकर के ना मेरे को वापस दे देना, लेना नहीं कोई कोई माला मेरे को से वापस देना, क्योंकि हम रोज बैठ करके एक माला जप करेंगे। ठीक है, खुल लगने हाँ यहाँ पर कोई माता जी खड़े हो जाओ, तो यहाँ पर ये माता जी को जिनको पास में नहीं है उनको दे दो। देखो यहाँ पर कितने भक्त है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हाँ यहाँ पर कभी कभी करी करी हम लोग 60-70 भक्त लोग हैं। हाँ देखो इसमें 60-70 भक्त लोग हैं, लेकिन हम तो माला एक जप करेंगे, माला तो एक जप करेंगे, लेकिन हमें 60-64 माला करने का फल मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर करी करी 70 भक्त बैठे हुए हैं। अगर हम सबके सब माला जप करेंगे सभी की आवाज सभी की कान में जाएगी, जाने पर माला तो एक करेंगे लेकिन हमारे 64 माला करने का फल मिलेगी, मतलब आज आपका नाम पर बैंक में 1,00,000 रुपया फिक्स डिपोजिट हो जाएगी। ये भगवान खुद कहते हैं, और अगले जीवन में ब्याज समेत ये धन में प्राप्त होगी। इसलिए जब आप लोग माला जप करना मेरे साथ साथ में बोलना, और मुंह बंद करके नहीं, थोड़ी सी मुंह खोल करके, थोड़ी सी मुंह को जोर करके, थोड़ी सी जैसे सबकी आवाज सबके कान में जाए, फिर तो सभी का आज 1,00,000 रुपया सबकी बैंक में आज फिक्स डिपोजिट होने वाले हैं। ठीक है, अब सबके सब मेरे साथ में बोलना। देखो ये नाम करने से पहले हम एक नाम बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। कलियुग में महाप्रभु ये पंच रूप में जगत में हरि भक्ति को प्रचार की, पहले ये नाम को बोल करके आप लोग सबके सब मेरे साथ में बोलो, सबके सब, सबके सब, और सब मुंह खोल करके बंद करके नहीं, क्योंकि जो हरि नाम करेगा उसका पाप सर के ऊपर उड़ जाएगी, लेकिन बैठेगा कहाँ पर जो करेगा नहीं, इसलिए सबके सब मेरे साथ में मुंह खोल करके सबके सब एक माला करो, सबके सब बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक बंद सबके का बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। माला पूरी हो गई ना, सबके सब माला वापस दे दो, कोई लेना नहीं, पाप लगेगा, लास्ट में दूंगा जो नाम करना चाहते हैं। अब सबके सब खड़े हो जाओ, प्रभु जी एक सुंदर भजन गाएंगे, सबके सब भजन में नृत्य करना और ठाकुर का प्रसाद लेकर जाना। सबके सब खड़े हो जाओ और सामने आ जाए। सबके गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। अरे जहां किनारे राधा रानी अलबेली करता, कमरिया कन्हैया